Welcome to this super exciting episode of The Barber Shop. In my conversation with Mukesh, we spoke about one of India's most incredible entrepreneurs in the consumer space. Founder of Keshking, Rate Safa, Dr. Artho, Sachi Saheli, Roop Mantra and many more. That clip, thanks to all of you, uh, reached a lot of people including the gentleman himself, Dr. Sanjeev juneja वेलकम जो स्ट्रगल के रास्ते से आया है उसी ने रूल किया है जो हेलीकॉप्टर लैंड किया है जिसने जो सीधा आके ऊपर बैठ गया है उसको रास्ते का ही नहीं पता तो मुझे किसी को डिफीट नहीं करना था मुझे खुद को पोजीशन करना था आप अपनी गलतियों से सीखने जाते हैं तो ये एक जीवन कम है, एक कम है।, तो मुझे लगता है कि गलती नहीं चाहिए। पहली बार जब आप करें वो है बार करें तो ये बड़े -बड़े एलिफेंट्स हैं जिनके सामने तुम खड़े हो गए आके तुम्हारे पास फैक्टर क्या है मैंने तो देखिए फर्श भी देखा और अर्श भी देखा सारी चीजें देखी गरीब आदमी जितना अमीर होता है ना उतना अमीर आदमी कभी अमीर नहीं होता मुझे लगता है कि अगर एंट्रोप्रनोर का थोड़ा स्पिरिचुअल होना जरूरी है अगर आप सच के नज़दीक नहीं है ना तो बाद में लगेगा कि यार ये तो गलत जगह पे हमने अपना अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट कर दिया वेलकम टू दिस सुपर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द बाबर शॉप इनफैक्ट इन माई कॉन्वर्जेसन विद मुकेश वी स्पोक अबाउट वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इनक्रेडिबल ऑंट्रप्रनोर इन द कंज्यूमर स्पेस दैट क्लिप थैंक्स टू ऑल ऑफ यू रीच द लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग द जेंटलमैन हिमसेल्फ

बट विथ सच अचीवमेंट्स बिहेंड यू बट थैंक यू फॉर ग्रेसिंग अस टूडे थैंक यू वेरी मच शांत थैंक यू फॉर द काइंड प्रेज और आपका वो क्लिप जो था वो मेरे कई दोस्तों ने मुझे भेजा तो मैंने कहा कि और आ, मुझे एक बात उसमें बड़ी अच्छी लगी आपने फोटो बड़ा अच्छा लगाया हमारा उसमें थैंक्स टू यूर कॉन्टेंट टीम तो, <laughs> uh, right. so तो कई बार क्या कुछ लोग वो ऐसा फोटो लगाते थे जो आपको पसंद नहीं होता <laughs> नहीं बट आपकी मतलब बट थैंक यू फॉर कमिंग एंड हमको तो काफ़ी लोगों ने uh, मैं एक्चुअली बारबर शॉप के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको आई नो वी स्पोक बिफोर ऑल्सो बट बारबर शॉप हमने चालू किया रफली सात आठ महीने पहले ऑनटरप्रिनर्स की स्टोरीज़ बताने के लिए बिकॉज हर ऑन्टरप्रिनर की स्टोरी कम्प्लीटली अलग होती है uh, वो जो मार्केट देखते हैं वो जो अपॉर्चुनिटी देखते हैं उनका जो पर्सनल अप्रोच टू बिल्डिंग अ कंपनी होता है उनका पर्सनल अप्रोच टू कल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग सब अलग होता है लेकिन कुछ कॉमनैलिटीज़ होती है उन सब में देर इज़ अ लेगेसी बिल्डिंग रिक्वायरमेंट जो अंदर से आती है वो जो आग जो हम बोलते हैं दे आर एम्बिशियस टू एन एक्सटेंट जहाँ पे लोग उनको इराशनल या फिर स्टूपिड भी बुलाते हैं कि आप कुछ भी सोच रहे हो ये तो होगा ही नहीं लेकिन दे हैव दैट बिलीफ इंटरनल एक कि हम कर सकते हैं तो इन चीज़ों को हम कैप्चर करना चाहते थे एंड वी वॉन्ट टू टेल आर आर ऑडियंसिस फंडामेंटली ये है कि इंडिया में रफली 10 लाख जॉब्स पर मंथ की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम अ क्रिएशन स्टैंड पॉइंट हम लोग रफली एज अ कंट्री आर एट ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट ऑफ दैट तो अगर वो गैप कवर करना है तो ज़्यादा लोगों को ऑन्ट्रप्रेनोर बनना चाहिए ज़्यादा लोगों को ऑन्ट्रप्रनोरियल बनना चाहिए अपने कंपनीज में तो वो अगर हम इनसाइड उनको दे और इस एपिसोड के बाद इवन वन पर्सन अगर वो सोचे कि मैं खुद की कंपनी चालू कर सकता हूँ या चालू कर सकती हूँ तो वी वुड बी सक्सेसफुल इज़ आर ओवरऑल बिलीव सो होपफुली आफ्टर लिसनिंग टू योर स्टोरीज एंड योर ओवरऑल जर्नी होपफुली वी कैन कन्वर्ट वन पर्सन ओवर देंस जी नहीं थैंक यू वेरी मच बिल्कुल ठीक कहा आपने देखिए uh, चाणक्य ने बोला कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखने जाते हैं तो ये एक जीवन कम है एक ज़िंदगी कम है तो बेहतर यह है कि आप अगर एंट्रप्रोरी जर्नी की बात करते हैं तो सामने से उन्होंने क्या गलतियाँ की जिसे आप जिन गलतियों से आप बच सकते हैं आप वो सल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं बरिंग ऑन्टरप्रेनर को और मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई भी देता हूँ और आ, मुझे लगता है कि ये एक आ, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें नहीं मैं एक्चुअली लेट मी कम बैक टू योर अर्लीस्ट स्टोरी 2003 की बात है जब आप ऑन्टप्रनर बने कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट द अर्ली डेज जब आपको लगा कि प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचना प्रोडक्ट अच्छा बनाना एक स्किल है लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचना एक दूसरी स्किल है जो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स मास्टर करी सो टेक अस थ्रू द इनिशियल जर्नी ऑफ केश किंग विच वॉज़ योर फर्स्ट बिग ब्रांड लॉन्च निशांतू मैं केश किंग से थोड़ा पहले चलूँगा हाँ जी बिकॉज uh, किंग तो आप सीखते हुए ग्रूम करते हुए एक ऐसे ब्रांड पे पहुँचे जहाँ आप अपने हिस्से की छोटी छोटी गलतियाँ कर चुके थे तो क्योंकि बात हमने की कि आप क्या गलतियाँ करते हैं और कैसे आ, आप मैं तो कहता हूँ कि गलतियाँ करें गलतियाँ तो ताम होती हैं आज भी होती हैं बट शर्त ये होनी चाहिए कि नई गलतियाँ करें पुरानी गलतियों पहली बार जब आप जब आप करें वो मिस्टेक है दूसरी बार करें तो ऑफेंस है करेक्ट तो मुझे लगता है कि गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए और गलती जो है वो छोटे पैमाने पे होनी चाहिए एक लार्जर कैनवस पे एक बड़े पैमाने पे आपका गलती ना हो जिससे आपका वापसी पॉसिबल ना हो तो उसके कई तरीके हैं उसके कई मेरे अपने मंत्र हैं वो मैं डिस्कस करूँगा तो आ, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई केशकिंग से पहले केशकिंग तक पहुँचने के और उसके बाद के जो ब्रांड्स हैं आ, मेरे फादर जी एम एस डॉक्टर मेरे फादर जी एम एस डॉक्टर थे मदर मेरे डी एच एम एस डॉक्टर हैं तो घर में माहौल तो आयुर्वेदिक था सारा घर पे था ये कौन से शहर में बेसिकली uh, ओरिजिनली तो मैम पटियाला बोर्ड तो पहले तो उनका क्लिनिक पटियाला होता था फिर एटी uh, वन में हम लोग शिफ्ट हुए अम्बाला में अम्बाला क्या अम्बाला के छोटे से टाउन में बलदेव नगर में तो वहाँ पर उनकी प्रैक्टिस थी उसके बाद जब बलदेव नगर से फिर अम्बाला में शिफ्ट हुए वहाँ पर उनका प्रैक्टिस था तो वो घर में दवाइयाँ बनाया करते थे मेडिसिन बनाया करते थे तो बच्चे उस टाइम काम किया करते थे घर का आजकल ज्यादा नहीं थे तो जो वो जड़ी बूटियाँ थी अब उनको क्या है कि आपने हमाम दस्ते में कूटना है पीसना है उनको एक विधि से बनाना है तो वो बच्चों को समझा देते थे कि आप ऐसा कीजिए और कुछ हुद्दा बोलते हैं जो क्योंकि पाकिस्तान से पीछे से हैं तो हुद्दा बोलते हैं कि ये ये आपके नुस्खे जिसे आप बोलते हैं तो कुछ नुस्खे थे जो मेरे दादाजी की किताब में थे वो चल रहे थे उनमें कुछ जो थे कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशल थे लोगों ने और जिन पेशेंट्स पर पे उन्होंने यूज़ किए उन्होंने बड़े पॉजिटिव रिजल्ट दिए तो ट्रायल मतलब कि ट्रायल होने शुरू हो गए आपके प्रोडक्ट्स के तो हम मेडिसिन बनाते थे बच्चों को क्या पता उस टाइम उम्र कितनी थी मैं बात कर रहा हूँ अगर 83, 84 की बात कीजिए तो आपकी एज होगी आठ नौ सर चौथा स्कूल स्कूल गोइंग तो क्या क्या अपनी दोस्ती होने लगी हर से पता चलने लगा थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानकर देखिए आप जो सीखते हैं वो तब नहीं सीखते जब आपको सिखाने जाया जा रहे हैं आप आप तब सीखते हैं जब आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप ऑब्ज़र्व करने से बेहतर सीखते हैं जब कोई आपके ऊपर आकर कोई आपको सिखाने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा माहौल हो जहाँ पे वैसी बातें हो वैसी चर्चा हो वैसे एक्सपीरियंस शेयर हो तो आप सीखते जाते हैं कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में आता जा जाता जाता है फीड होता रहता है वो कब काम आएगा आपके ये डस्टनी तय करेगी तो ये डेटा है जो स्टोर हो रहा है करेक्ट तो फ्रॉम द एज ऑफ एट नाइन आपके अंदर वो आप ऑब्ज़र्व करते थे कि घर पे कैसे बन रहा है कैसे व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैविंग अफेक्ट ऑन फादर्स पेशेंट और मुझे कहीं कही ना कहीं एक थोड़ा नेक भी था मेरे में हज़ार कमियाँ होंगी पर एक खूबी मेरे में ये थी कि मेरे में एक नेक था मुझे थोड़ा बचपन से ही ये ब्रांड समझ में आता था कि कैसे बड़ी कहानी है एक छोटी सी कहानी मुझे याद है कि जैसे बलदेव नगर मैंने जिक्र किया तो वो तो 81 में तो मेरी उम्र क्या होगी छः साल पाँच साल तो जैसे क्या है कि छोटे छोटे कियाना स्टोर से आप सामान लेने जाते थे तो मैं बड़ा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो हमारे घर का सामान कैसे होता था कि आप आ, आ, हर तीसरे चौथे दिन आप कुछ सामान लेके आते थे घर का तो उस टाइम मतलब कि ऐसा नहीं होता था कि वॉशिंग पाउडर का एक पैकेट ले आए तो ऐसा था कि एक रुपये का ये दे दीजिए दो रुपये का ये दे दीजिए आपके लिए तो बड़ा Uh, आपको बड़ा ऐसा लगेगा कि एक रुपये में क्या आता होगा बट उस समय में बहुत किचन uh, का आपका सामान आ जा करता था पाँच छः रुपये में यार आई थिंक माय माय फादर टू डल बी की वैन मिल्क बिकेम अवेलेबल दूध का प्राइस था टेन पैसे पर लीटर फाइव टू टेन पैसे पर लीटर इन द वेरी बिगनिंग तो वो इमेजिन करना भी बहुत डिफिकल्ट है आज के लिए फोर टू सिक्स रुपीज़ लीटर तो uh, हमने मैंने में, खुद लिया हुआ है फोर रुपीज़ लीटर आई थिंक तो uh, कैसे आपने कहा जब मैंने मतलब कि उन्हें वो बोला ना कि आप आ, जैसे बलदेव नगर की बात की वहाँ पर लेके आते थे तो, तो मेरा जो दाद का परिवार है वो पटियाला से कि तुम पटियाला से तो समर वेकेशन में हम वहाँ गए तो उन्होंने भी बोला कि जाओ कुछ ले आओ तो जब उसे वो दिए उसे दो रुपया तो वो उस टाइम उसने वो एक वॉशिंग पाउडर निकाल के जब कागज़ में बांधा तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो निरमा का पैकेट है ओ नि निरमा का पैकेट मुझे बलदेव नगर में भी दिखा यहाँ भी दिखा तो ये पहली तो बात इसका मालिक कौन है ये वाला शॉपकीपर है या वो वाला शॉपकीपर है बच्चा जो है क्यूरियस तो है जिज्ञासा तो है उसमें और दूसरा ये टी वी पर चल रहा है वो कौन दे रहा है ये जो एड आ रहा है जया और सुषमा वो ये वाला शॉप दे रहा है या वो वाला शॉप दे रहा है तो किस तरह से और ये क्यों दे रहा है यही क्यों दे रहा है तो छोटे मुझे लगता है कि अगर आप सवाल तय करना सीख लें तो जवाब आपको मिलेंगे सबसे पहले है कि सवाल तय करने आने चाहिए आपको आप में जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की आपको आगे रास्ते आसान होते जाएंगे खैर कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट किसी को पूछा आपने ये चीज़ निरमा के बारे में आप घर आके मम्मी पापा से या किसी से पूछा आपने कि वो निरमा किसका है ऐड तो यहाँ टीवी पे देखते हैं लेकिन दुकान दु, तीन चार दुकानों में वही चीज़ मिलती है देखिए क्या कि पाँच छः साल की उम्र की बातें आपको ना पूरी रजिस्टर नहीं होती हाँ मुझे ऐसा याद नहीं कि पूछा भी होगा तो मुझे ध्यान नहीं है पर मुझे वो वाक्य याद है क्योंकि उसने बड़ा दिमाग पर ना जोर डाला था मेरे तो वाक्य क्या मुझे वो माहौल भी याद है कि किस वो आ, कैसे वो दुकानदार बैठा हुआ था कैसे उसने दिया मुझे पूरा माहौल भी याद है पर उसको उसके आगे की बात याद नहीं <laughs> वो शायद इसलिए याद है क्योंकि रिपीट हुई होगी मैंने अपनी ज़िंदगी में दो चार बार इस बात को कहा भी होगा तो याद याद रही होगी तो खैर ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत थी मैं तो गरीब आदमी जितना अमीर होता है ना उतना अमीर आदमी कभी अमीर नहीं होता क्योंकि आपकी जो हैप्पीनेस है वो बड़ी सस्ती हो जाती है खुशी सबसे ऐसी चीज़ है जिसे गरीब आदमी बड़ी आसानी से अफोर्ड कर सकता है और अमीर आदमी के लिए खुशी उतनी महंगी चीज़ है अफ़ोर्ड करना तो और दूसरी बात ये शांत की आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है ना वो सब प्रीडेस्टिन है और उसकी एक वजह है आपको उस टाइम नहीं पता अभी इसकी वजह क्या है अगर आप संजीव जुनेजा की बात करें तो अगर वो इस रूट से इस सोसाइटी से इस तबके से ना आया होता तो वो शायद यहाँ कभी पूछता ही ना क्योंकि वो संवाद ना हो पाता वो कम्युनिकेशन ना हो पाता करेक्ट तो आ, मैंने ये कहा कि घर में बड़े बड़ा अच्छा माहौल था बड़ी अच्छी दोस्ती थी बड़ा आ, मेरे फादर ही मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और थोड़ा कंजर्वेटिव था मैं शुरू से तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि आई लॉस्ट हिम इन 1999 तो 23 है तेईस साल की उम्र में कुछ भी नहीं तो बड़ा शॉकिंग रहता है एक बच्चे के लिए जो अभी अनमेरिड है छोटी बहन है घर में वो भी अनमेरिड है और मामा ही है तो फैमिली में कुछ था ही नहीं तो कहीं ना कहीं आप को अंदर कई कई चैलेंजेज आ जाते हैं कि अब जब सब खो दिया तो अब एक पूरा जस्टिस करना है अपनी जिंदगी के साथ अपने उन सपनों के साथ जो कभी इंसान ने लिए नहीं जिसे आप जी सकते हैं और खैर मतलब 2003 तक तो कुछ नहीं था 2003 में शुरू हुआ आपका आ, पहला ब्रांड 2003 में 2003 में जब चालू हुआ तब यू है

इमर्शन बचपन से रहा था टिल टू थाउजेंड थ्री हाँ थोड़ा अब ये समझ सकते हैं कि आ, एक कमी ये रही कि मेरा एक्सपोजर थोड़ा कम हुआ मैं अपने ही एक्सपीरियंस और अपने तजर्बे से सीखता रहा उस टाइम ऐसे पॉडकास्ट नहीं थे ना <laughs> दबाद शॉप जैसे कि जहाँ आप आगे सीख पाए नहीं सही बात है सही बात है तो दो में फिर कैसे कैसे आपने हाउ डिड यू स्टार्ट तो देखिए अब गलतियाँ कैसे होती हैं तो एक तो ये था कि हाँ क्योंकि आपके लेगेसी है आपके घर में आयुर्वेदा का परंपरा है आप मेडिसिन बनाते हैं कुछ चीज़ें जो आपको पता है कि काफ़ी बेनिफिशियल है काफ़ी रिज़ल्ट ओरिएंटेड है और वहाँ से जब आप वहाँ से जब आप एक सपना देखते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और उसमें आप एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टब्लिश करते हैं और बाहर से थर्ड पार्टी बनवाते हैं और अब आपने क्या गलती की अब जब वो प्रोडक्ट बन गया तो ये समझ में आ कि प्रोडक्ट बन गया आप तो किसी मेडिकल स्टोर को देंगे तो मेडिकल स्टोर पे तो बिकना शुरू हो जाएगा इतना ही ज्ञान था मैं <laughs> तो ये मालूम तो, नहीं था कियर ऑयल जनरल डेबिलिटी इट वॉजल जनरल आयुर्वेदिक तो उसमें बाद में समझ में आया कि जब मेडिकल स्टोर को मैं खुद मेरे पास स्कूटर होता था एल एम तो हम तो खुद स्कूटर लेके ना पहुंच के भाई ये प्रोडक्ट है तो वहाँ से समझ में आया कि कौन से डॉक्टर लिख रहे हैं इसे आपने एक एथिकल प्रमोशन का प्रोडक्ट जो है वो बना लिया जिसे ट्रेड पुश ही नहीं कर सकता ये तो एथिकल प्रमोशन का प्रोडक्ट आपने बना लिया ट्रेड कैसे पुश करेगा इसको और अगर ट्रेड पुश कर करने के लिए उसे तो एक्सपीरियंस का प्रोडक्ट चाहिए उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो प्रोडक्ट जिंदा रह सकता है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं तो ठीक है ख़त्म हो जाएगा का, ख़त्म काम और प्रोडक्ट के बारे में भी मैं एक बात यहाँ पर एक बड़ा जोर देकर बड़ा एम्फसाइज करके मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर प्रोडक्ट रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतनी जल्दी प्रोडक्ट ख़त्म होगा सबसे पहला रूल द फर्स्ट मंत्राइज कि आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है दैट शुड बी रिजल्ट ओरिएटेड नहीं तो प्रोडक्ट से ब्रांड का जर्नी छोड़ेगी वो तो कभी चलेगा नहीं क्योंकि आप प्रोडक्ट को एक बार चिल्ला के शोर मचा के किसी को एक्सपीरियंस करवा सकते हैं आजकल तो ज़माना रिव्यूज़ का है पब्लिक माउथ हाइड की तो बात छोड़ ही दीजिए कोई दूसरी बार आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा आज अगर हमारे प्रोडक्ट है मान लीजिए हमारा आ, जैसे हमारा एक ब्रांड है पॉपुलर ब्रांड है डॉक्टर औरथो अगर आपने डॉक्टर औरथो ब्रांड अप्लाई किया और आपको पेन हीलिंग में बेनिफिट ही नहीं हुआ अगर आपने पेट सफ़ा ग्रेन्यूल्स को कंज्यूम किया रात को और मॉर्निंग में आपको इफेक्ट नहीं आया तो तो आपका डब्बा भी घर में पड़ा पढ़ा का पड़ा रह जाएगा कल वो लेगा भी नहीं करेक्ट तो इसलिए पहली चीज़ कि अगर आप एफ इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में हैं जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं अगर वो प्रोडक्ट कंपेटेबल नहीं है रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो पहले उसी पे काम कीजिए उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट से ब्रांड की जर्नी पे मेहनत कीजिए ट्रायल्स होने पहले ज़रूरी हैं टेस्ट होना जरूरी है ट्रस्ट होना जरूरी है करेक्ट <laughs> okay. तो वापस आता हूँ मैं तो वहाँ से समझ में आया कि आपने तो भैया ये एथिकल प्रमोशन का ब्रांड बना दिया एथिकल एथिकल प्रमोशन प्रमोशन मतलब क्या है डॉक्टर पर्ची लिखेगा हाँ मेडिकल स्टोर पे पर्ची जाएगी वो स्लिप जाएगी उसका प्रेस्क्रिप्शन आज जाएगा हाँ? और उस प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ के वो अपना शेल्फ से उठा के प्रोडक्ट देगा दैट इज़ एथिकल प्रमोशन ओके की जो टर्म दी हुई है इस फील्ड में कि जब डॉक्टर स्लिप लिख रहे हैं तो आप का वो प्रोडक्ट जाता है इसी तरह पीसीडी बेसिस पे कुछ सेल्स होती हैं कुछ आप ओटीसी पे बेचते हैं तो हर तरह के सेल्स को एक नाम दिया गया तो ओटीसी का जो रेंज है उसमें दो ही चीज़ें चलती हैं पहला तो ये कि कंज्यूमर पुल होना ज़रूरी है अगर आपका कंज्यूमर जाके प्रोडक्ट का डिमांड करेगा तो ट्रेड को लाना ही पड़ेगा करेक्ट पहला काम तो ये होगा करेक्ट तो कई चीज़ें जो आपको समझ में आती हैं तो वहाँ से ट्रेड को समझना शुरू किया पहले तो इसको तोड़ा कितने प्रोडक्ट्स थे आपके दो हजार तीन चार में जब आप चालू किया था हाउ कितने स्क्यूज थे दो तीन ही मेरे प्रोडक्ट्स थे क्या-क्या थे तो अच्छा, क्या मतलब था था? देवले आपका जो जनरल है रोज यूज़ कीजिए उसमें आपके आयुर्वेदा में कई ऐसे रसायन मेंशन है कई ऐसी औषधनिया मेंशन है जो आपको तरोताज़ा रखती हैं तंदुरुस्त रखती हैं अच्छी रखती अच्छा तो वो चीज़ें तो उसमें लाइक लाइक जनरल इसमें हर्ब्स होती हैं जैसे अश्वगंधा आपका हर्ब है, है गोक्शू हर्ब है तो इस तरह के कुछ हर्ब्स हैं जो उसमें होते थे दारिकंद हर्ब है तो रॉयल कैप्सूल हाँ जी तो वहाँ से समझ में आया कि भैया ये तो आपको मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ेगा तो मुझे लगा कि ये बड़ा छोटा एक और मुश्किल काम है उसके लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी तो कंज्यूमर पुल वाला हमें समझ में आया कि, कि कंज्यूमर अगर एडुकेट हो जाए किसी तरह से कंज्यूमर को समझ में आ जाएगी ये चीज़ मेरे काम में आ सकती है तो उस तरह से आगे बढ़े अब कंज्यूमर के लिए सबसे आसान है कि वो एक्सपीरियंस के प्रोडक्ट को अभी देखिए दो में शुरू किया अभी पाँच साल तो अब धक्के खा रहे हो हाँ तो कभी भी जो पानी का बहाव है ना वो आपको बड़ी अच्छी शेप देता है कभी भी किसी पत्थर को देख लो उसकी शेप को आप बना के दिखा दो तो ऐसा स्ट्रगल होना ज़रूरी है हमारी एक प्रॉब्लम ये है मैं आपके पॉडकास्टर ये बात कहना चाहता हूँ कि हम एक गलती करते हैं हम अपने बच्चों के हिस्से का स्ट्रगल छीन लेते हैं हम इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि हम उनको स्ट्रगल नहीं करने देते जबकि अब हिस्ट्री में देख लें जो स्ट्रगल के रास्ते से आया है उसी ने रूल किया है जो हेलीकॉप्टर लैंड किया है जिसने जो सीधा आके ऊपर बैठ गया है उसको रास्ते का ही नहीं पता वो तो कैसे जस्टिस करेगा करेक्ट तो क्योंकि अब हम स्ट्रगल से पहुंचे तो समझते गए कि कंज्यूमर जो है कंज्यूमर को क्या चाहिए तो रेट को समझा वो वेस्पा पे आप मार्केट, मार्केट वर्क करते थे, दुकानों में जाते थे आप खुद ऑफ गोइंग शुरुआती लेवल पे बड़ी चीज़ें समझ में आई किसी मेडिकल स्टोर ने कहा कि आपका प्रोडक्ट रख दो पहले तो बात की वो आ, हर एक का सेल मॉडल हर एक का सेलिंग मॉडल होता है कि आपका प्रोडक्ट रख दो जब प्रोडक्ट सेल होगा तो आपको पेमेंट मिलेगा एक काम करो यहाँ एक इश्तिहार लगा दो इस दीवार पे उसको देख के कोई ले लेगा इस टाइप से यहाँ से इतने यहाँ से आपकी शुरुआत होती है <laughs> और आप अम्बाला में ही करते थे बलदेव नगर में करते थे स्टार्टेड इन अदर सिटी अम्बाला के नजदीक जैसे छोटा टाउन है लालू नारायणगढ़ डोरा शहजादपुर इस तरह के टाउन हैं और वो पोस्टर लगाना बड़ा अच्छे से आ गया था मुझे <laughs> <laughs> बनाते कैसे थे आप पोस्टर और मार्केटिंग टीम थी आपकी या फिर कोई एजेंसी थी डिज़ाइन स्मॉल टाउन में कैसे किया आपने जो यूजली बॉम्बे मोस्ट एफ कंपनीज इंडिया में टिपिकली बॉम्बे या डेली में होती है लेकिन छोटे शहर में आपने हाउ डिड यू फाइंड डिजाइनर्स प्रोडक्ट तो ठीक है आपको पता था लेकिन जो बाकी जो चीज़ें चाहिए होती है मैनेज करने के लिए बिजनेस देखिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि टीम दस लोगों की होगी दो लोगों की भी टीम हो सकती है तीन लोगों की भी टीम हो सकती है बात यह कि हर टीम मेंबर अपना हंड्रेड परसेंट दे तो जैसे आपने कहा कि किस तरह से तो आ, हर चीज़ आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रही है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई पम्फ्लेट भी बनाना है तो उस टाइम आप स्क्रीन पर बैठ के खुद डिज़ाइन करवा रहे हैं तो आपको समझ में आ गया कि भैया मैं क्या इसमें क्यूनिकेट करना चाहता हूँ किसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं रैशनल कैंपेन कैसे देना है आपने कहाँ आप एडोकेट करना चाहते हैं कहाँ आप हैमर करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आनी आनी शुरू हुई तो उसमें बड़े बड़े मोनिटर हुआ करते थे सामने से बैठ के डिज़ाइनर जो है डिज़ाइन किया करता था और तो बड़ी लंबी कहानियाँ हैं इसको ज़्यादा मैंशन करने की बजाय वहीं आते हैं कितनी बड़ी टीम थी आपकी वो पहले चार पाँच साल में हाओ? हाँ पहले चार पाँच साल में देखिए बढ़ते बढ़ते 2008 तक आते आते अगर आप कोर टीम की बात करें अगर तो मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तीस पैंतीस लोगों का टीम हो गया था टू तक आते आते <laughs> और क्या प्रोडक्ट्स थे तब दो में आठ तक जो मेन आपके मेन जो रेवेन्यू ड्राइवर्स थे हाँ तो प, पहले तो उन्हीं प्रोडक्ट से हम लोग चल रहे थे फिर हमने एक स्टंटेड uh, ग्रोथ के लिए कैप्सूल मोर पावर लॉन्च किया था मोर पावर हाँ वो जो कि जन थोड़ा सा एक लिमिटेड uh, ही uh, हमने एरिया uh, में उससे लॉन्च किया था अगर अम्बाला में थे तो समझिए अम्बाला के छः आसपास पास छः सात शहरों में फिर एक हमारा प्रोडक्ट आया था राजसी राजसी अगेन दैट इज़ द कैप्सूल फॉर द जनरल डब्ल्यूड इज द जनरल वीकनेस और अच्छा रिस्पॉन्स मिला समझ में आ गया कि कंज्यूमर जो पुल है वो किस तरह से आएगा और ट्रेड जो है वो किस तरह से और किन टर्म्स पर आपके प्रोडक्ट को रखेगा और प्रोडक्ट में रिजल्ट थे और प्रोडक्ट जो है लोगों को पसंद आया हमारा पैकेजिंग अच्छा था उसका लोगों का बिलीव होता था हमारे कैंपेन से वो एडूकेट होता था उसे समझ में आता था कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें और इस उसके बाद ओवरऑल तो उसका बेनिफिट आता था जब वो उसको कंज्यूम करता था आप मार्केटिंग कैसे करते थे तब तो थर्टी थर्टी फाइव लोगों की टीम आप और आप लोकली बेच रहे थे तो तब इंटरनेट तो था नहीं तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होगा तो टी और ये सब तो ऑप्शन ही नहीं थे आप लोकली डिस्ट्रीब्यूट लोकली आपका मार्केटिंग था थ्रू डॉक्टर्स थ्रू मेडिकल फार्मास फिर आप मूवीज़ में थिएटर्स uh, में पैम्फलेट लगाते थे कैसे कैसे करते थे कैसे सोचते थे आपकी कंज्यूमर पुल की बात करते हैं आपकी कंज्यूमर पुल होना चाहिए कंज्यूमर आके मांगना चाहिए एक तो चीज़ होगी कि प्रोडक्ट यूज़ करें फिर मांगे लेकिन पहली बार किसी के थ्रू पता चल रहा है कहीं पढ़ के पता चल रहा है वो वो कैसे किया आपने देखिए क्या है कि अब एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में आपने एक पम्फ्लेट बनवाए और अपने मेडिकल स्टोर पे एक पम्फ्लेट रख दिए फिर आपको समझ में आया कि अगर आप उसे एक एनोलॉप पे पम्फ्लेट दे दें तो उसके कंज्यूमर उसके जो जो उसकी टच का टच बेस है उसका जो उसके क्लाइंट्स हैं जो उस मेडिकल स्टोर पे जाते हैं उन सभी के घर पे आपका पम्फ्लेट चला जाएगा और वहाँ पहुँचेगा क्योंकि वो अगर आप पम्फ्लेट रखते हैं तो वो तो उसको उठा के डस्टबिन में भी डाल सकता है कोई गारंटी नहीं है कि वो जो है आ, आगे पहुँचे तो क्या किया आपने उसको एक पंफ उसको एक एनुलप में जो कि उसकी यूटिलिटी का आपने यहाँ दे दिया एक स्टेप आ, आगे चले गए उसके बाद आपको समझ में कि इसका अपना नाम लिखवाना चाहता है ये अपने बार शॉप के तो अगर आप इसे एक बोर्ड स्पॉन्सर कर दें और फिफ्टी परसेंट स्पेस आप ले लो फिफ्टी परसेंट स्पेस उसे दे दें तो हैपली लगाएगा रात को ट्यूब भी जलाएगा उस पर बिजली भी लगाएगा करेक्ट तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ गए और उसके बाद धीरे धीरे अभी तो क्या आप एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं उसके बाद न्यूज़पेपर का ज़माना था सबसे ज़्यादा दो चीज़ें थी एक तो टीवी देखा जाता था मोबाइल तो थे नहीं तो तो टीवी देखा जाता था और एक का अखबार पढ़ा जाता था तो एक नया अखबार लॉन्च हुआ हरियाणा में जिसका नाम था दैनिक भास्कर तो दैनिक भास्कर ने एक उन्होंने एक नया आपको प्रमोशन आइडिया दिया उन्होंने क्या किया कि आपको हर न्यूज़पेपर में एक पुल आउट दिया जो कि आपके सिटी का है कि जैसे मान लीजिए दैनिक भास्कर का एक अम्बाला में तो अम्बाला चलेगा। एक अम्बाला तो बाज कर चलेगा एक कुरुक्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र भास्कर चलेगा एक रोहतक है तो रोहतक भास्कर कर चलेगा उसके तो उन्होंने उसको जोन में डिवाइड कर दिया कि दिस इज धर पानीपत जोन दिस इज धर रोहतक जोन इसमें ये शहर आएंगे इसमें ये डिस्ट्रिक्ट आएंगे तो इस तरह से उन्होंने एक उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आज अगर मान लीजिए हमें कैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते हैं जो जाके आसाम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कर्नाटका में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या यूपी और बिहार में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जहाँ आपका डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है तो आप कभी जस्टिस ही नहीं करेंगे उस स्पेंट के साथ तो अगर आपने सिर्फ अम्बाला में एडवर्टाइज़ किया एक तो आपका स्पेंट बड़ा लिमिटेड हो गया दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन पेनिट्रेशन पूरा हो गया आपका एरिया उतना डिफाइन हो गया तो ये पहला एक जो वहाँ से स्टार्ट हुआ अखबार के माध्यम से फिर हम लोगों ने जैसे एक छः जिलों का सिलेक्शन किया सिक्स डिस्ट्रिक्ट का वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपना सेट की और वहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल किए तो ऐसे स्टेप स्टेप करके आगे बढ़ते गए सबसे बड़ी गल बड़ी गलतियाँ क्या की थी आपने पहले 27, 28 के उम्र से 32, 33, 2008 तक टू इज़ एट फॉर्मेटिव यूर्स मतलब आप भी खुद यंग थे इतने आ, पहली बार कर रहे थे यू ऑल्सो मेन्शन डेड योर लास्टर फादर सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ दिस वु बिन न्यू फॉर यू कैसे हाउ डिड टेक शांतनु वैसे देखिए गलतियां तो हर आदमी हर रोज करता है बट मैंने कोई ऐसी मेजर मिस्टेक नहीं की क्योंकि अगर मैं मेजर मिस्टेक वहाँ करता तो मैं मिस्टेक अफोर्ड ही नहीं कर सकता था मेरे पास रूम ही नहीं था मैं मिस्टेक करूँ और दूसरी बात यह कि मैं थोड़ा सा ना कंजर्वेटिव प्रोफाइल का हूँ मेरा अपना नेचर बड़ा कंजर्वेटिव है और रिस्क रिवार्ड रेशो को बड़ा कंजर्वेटिवली मैं उसको अप्रोच करता हूँ तो मैंने हमेशा कभी भी अगला अटैम्प्ट लिया ये मान के चला कि मेरा ये अटैम्प्ट अगर ना चला तो मेरे पास अगले चार अटैम्प्ट और हैं या नहीं क्योंकि अगर आपका एक गलती क्या करते हैं लोग वो ये करते हैं कि वो एक अटैम्प्ट से इतना कन्विंस हो जाते हैं कि अपना हंड्रेड परसेंट अपॉर्चुनिटी उस अटैम्प्ट लगा देते हैं अब अगर आपका वो अटैम्प्ट ना चला तो पता चला आपने तो डेट भी उठा रखा है और आप ये गेम जो पॉजिटिव होनी चाहिए तब आप नेगेटिव होगी और अब मोटिवेट इतना हो गया क्योंकि रात को आपने एक लेक्चर सुन लिया है बड़ा ज़बरदस्त <laughs> और सुबह आपने डेट उठा लिया <laughs> तो ये भी बड़ा एक ए, सोच समझ के तो मुझे लगता है कि मिडल पास होना चाहिए गलतियाँ होंगी इसमें कोई दो राय नहीं है आप गलतियों को कम कर सकते हो बट आप गलती फ्री नहीं हो सकते तो मुझे लगता है कि आ, आपने जो क्योंकि मेरे से सवाल किया ये तो टू बी प्रिसाइज मुझे लगता है कि मैंने गलतियाँ अगर की तो इतने छोटे लेवल पर की कि वो पता ही नहीं चली पर सीखे उससे आप हाँ बट उन चीज़ों को रिपीट नहीं किया और मैं था तो मुझे ऐसा आ, मैंने बाद में गलतियाँ की मैंने शुरुआती दौर में कोई ऐसी गलतियाँ नहीं की हाँ जब मैं कुछ मैं, जो मैंने कुछ अचीव कर लिया जो मैं रिकोनाइजनाइज किया गया मुझे उसके बाद मैंने कुछ गलतियाँ की हैं बट पहले इस, अपने शुरुआती दौर में मैंने ऐसी गलतियाँ नहीं की ओके okay. और फिर टू के बाद वाला जर्नी सो टू थाउजेंड तक इफ आई वोट टू पेंट बैक तीस पैंतीस लोग थे आपके एम्प्लॉय ग्रुप में आप क्या बुलाते थे फाउंडर बुलाते थे खुद को या फिर प्रमोटर बुलाते थे सीईओ बुलाते क्या बुलाते थे आप खुद को क्या आपके सर, आप, आपके कंपनी में सर का कल्चर था या फिर दोस्ती का कल्चर था या दोनों का कल्चर था कैसे कैसे आपने नहीं हमारी कंपनी में आ, वैसे कल्चर सर का ही सर ही कह के बुलाते थे हाँ तो तो आजकल क्या है कि आपको नाम से बुलाया जाता है जो कि आप ज़्यादा नज़दीक लगते हैं और आप ज़्यादा अपने लगते हैं बट उस टाइम थोड़ा सा एक आ, सर कह के बुलाया जाता था और वही कल्चर अभी भी वैसा ही है ऑफिस में तो कितनी बड़ी थी कंपनी तक इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या फिर 2008 तब तो कुछ भी नहीं थे हम लोग मतलब कि मुश्किल हमारा एक साल का अगर आप टर्न की बात करें हाँ सिक्सटी सेवेंटी लैक्स का टर्न ओवर हमारा एक साल का थोड़ा सा हाँ पर प्रॉफिट प्रॉफिटेबल हम शुरू से रहे मैं हम लोग प्रॉफिटेबल शुरू से रहे एक अग्रेसिव नहीं थे ना और जो कैपिटल इन्फ्यूजन था वो आपने यू पुट द मनी एंड रेज डेट उतना ही था या फिर इन्वेस्टर्स आ गए थे तब तक आपके पास आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है और प्रॉब्लम यह है कि उसका जवाब भी बड़ा खूबसूरत है एक्चुअली <laughs> क्या है कि अभी ना कई चीज़ें ऐसी फेरी टेल लगती हैं कि लोगों को बिलीव ही नहीं हो टोटल इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास जो पहला पैसा मैंने लिया था वो थे रियल टर्म्स में दो हज़ार रुपये थे मात्र टू थाउजेंड रुपीज़ जो अगस्त नाइन्टी नाइन में मैंने अपने मोम से लिए थे उसी के रोटेशन से हुआ कभी कोई बैंक का सी नहीं लिया कभी कोई फंडिंग नहीं ली कभी कोई लोन नहीं लिया तो जो रेवेन्यू आता था, था उस उस रेवेन्यू के थ्रू ही आप ऑपरेशन को फंड करते थे और आगे हाँ जितना रेवेन्यू आता था उसी को री इन्वेस्ट किया जाता था अपनी लाइफस्टाइल को सिक्योर करते हुए लाइफस्टाइल के लिए भी उसमें से लाइफ के लिए तो ऑफकोर्स आपका जो बिजनेस है आप उसकी लाइफ तो अपने रखेंगे ना और एक्चुअली क्या हमारे घर में कल्चर ही नहीं था कभी उधार लेना सिखाया ही नहीं गया थोड़ा इतने एडवांस नहीं थे राइट राइट वर्ड बट आप एक बात बताओ ट्वेंटी ट्वेंटी उम्र में आपकी शादी होगी थी तब तक डिड यू गेट मैरिड अराउंड द सेम टाइम थोड़ी चाइल्ड मैरिज हो गई थी मेरी <laughs> <laughs> मेरी शादी हुई ट्वेंटी फोर चौबीस साल की एज में अच्छा में यू यू हैड अ मैरिज है हमारा मेरा जी बात राइट यू आर अ यंग मैरिड कपल स्टार्टिंग अ कंपनी एंड यू नो काइंड ऑफ लर्निंग अलोंग द वे एंड बीइंग कांगेटी और उसमें मेरी वाइफ का नाम सारा है उनका इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरी सक्सेस में कि मैं इसका पूरा क्रेडिट उन्हें देता हूँ दिल से दिमाग से दोनों से उसका रीज़न ये है कि आदमी तभी जीत जाता है जब उसको घर में कहा जाए कि आप जीत सकते हो मतलब कि जो पार्टनर है आपका आपका पार्टनर अगर आपको कॉन्फिडेंस देता है ना और शी इज़ वेरी प्योर पायस बहुत ही खूबसूरत है तो जैसे कि उन्होंने एक बार कह दिया ना कि हाँ मैंने कोई उन्हें बोला कि ये आइडिया दूँगा तो ठीक है संजीव परफेक्ट तुम तो कर ही लोगे पहले इतनी बार कर चुके हो टेंशन क्या तो इतना बिलीव आप पे इतना बिलीव तो आपको खुद पे बिलीव होने लगता है तो आप ऐसा मैनिफेस्ट करते हो कि हाँ ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मैं कर लूँगा तो मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट होने से फिफ्टी परसेंट आप जो है, कहते है हो हो गया <laughs> उनको पसंद जो जो प्रोडक्ट दे रहे थे हाँ, ये जो अभी आपने भी आ, हाँ, जी, आ, जी। <laughs> मैं अलग से भी उनसे उनके।, उनके।, उनके लिए वो इतना अच्छा इतना हैं और बहुत ही खूबसूरत आ, उसके बाद कैसे हुआ सर फिर 2008 के बाद आपने 70 लैक्स ,00 पर ईयर के टर्नओवर ओवर की कंपनी थी थर्टी फाइव लोग थे तब तक आप पाँच छः साल में मैं सोचता हूँ कि मार्केट में घिस के सीख के रिटेलर की डांट सुन के डिस्ट्रीब्यूटर की डांट सुन के कस्टमर का डांट की डांट सुन के टिपिकली डायमंड बन जाता है मतलब डायमंड बनना दिखना चालू हो जाता है बिजनेस का कि प्रोडक्ट मार्केट फिट जो आज के डेट में लोग बोलते हैं बाई टू थाउजेंड एट यूडेड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इन चीज़ों पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं टाइम मनी एफर्ट सब कुछ आ, तो वो फेज़ आ गया था या फिर अभी और टाइम था उस चीज़ के लिए ये घिसने पे चार लाइनें याद आ गई सुना दूँ आपको <laughs> so, किसी ने कहा कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता और जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता तो आप को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए मतलब मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं ना अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव है और अगर आपका ईगल आई है आप गरुड़ दृष्टि है आपके पास तो बड़ा देखेंगे अब छोटा नहीं देखेंगे आप किसी चीज़ को यहाँ से देखो तो कुछ नहीं दिखेगा यहाँ से देखो तो सब कुछ दिखेगा इतना ही फ़र्क है तो तो 2008, 2008 में जैसे आपने बात की तो वहाँ से अब हिमाचल में हम लोगों ने एक छोटी सी मैनुफक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की बिकॉज एक ट्रेंड था और एक सब्सिडी जो है वहाँ पे सब्सिडी ऑफर हुई थी हिमाचल में था ना आप हाँ जैसी जेट था स्पेशल इकनॉमिक जोन जो है ऐसी जेट था वहाँ पर जिसमें आपको कई तरह के रिबेट्स थे कई तरह के बेनिफिट्स थे मशीनरी प्लांट और उन चीज़ों पर तो हम वहाँ वा, पर जाते हैं और वहाँ से शुरू होता है अब तो 2009 में टेन में मतलब केश किंग का ओरिजन केश किंग का ख्याल जो पीछे 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 पीछे, पीछे आपके दिमाग में कई टाइम से चल रहा है तो वो स्टार्ट होता है और वो कम्युनिकेशन वो थॉट आपका इतना जबरदस्त हिट होता है क्योंकि गैप था और आपके पास ऐसा हीरो ब्रांड था जो रिजल्ट ओरिएंटेड है जो रिज़ल्ट दे रहा है लोगों को जो आपको बेनिफिट दे रहा है जिसे आप महसूस कर रहे हैं और आप आ, क्योंकि आ, आप बताते नहीं है उसको आपको बताने में भी कोई ऐसी बात नहीं है कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं लोग बताते भी नहीं उसके रिजल्ट को बट जो एक्सपीरियंस के प्रोडक्ट्स हैं वो चर्चा में आ जाते हैं कि यार वो प्रोडक्ट लिया था तो फॉर्चुनेटली आप टॉक ऑफ द टाउन हो गए तो, तो वो लॉन्च आपने वहीं पर किया था अपने आ... हिमाचल 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 से लॉन्च डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं तो अब हरियाणा पंजाब राजस्थान जितने बड़े हो चुके हैं तीन राज्यों से हमने लॉन्च किया अरे वहाँ अरे वहां से फिर आप मतलब कि आप देखिए जहाँ आप नहीं हैं वहाँ से डिमांड आनी शुरू होगी आपको लोग कनेक्ट करने लग गए कि आप इधर लॉन्च कीजिए इधर लॉन्च कीजिए सुपर हैं सुपर स्टॉकिस्ट हम एक्चुअली होलसेल सेल मॉडल में काम करते हैं एक और आपको बड़ी ऐसी uh, बात बताता हूँ जो आपको लगेगा कि शायद किस किस पैरामीटर में फिट हो फिट होगी क्योंकि हमारे पास शांतनु कोई सेल्स टीम नहीं है तो हमने कभी भी सेल्स टीम हायर नहीं की जो जाके आपके प्रोडक्ट को सेल करे तो डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है आपका कैसे बना ये डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका बना है विदाउट सेल्स टीम विदाउट एनी सपोर्ट तो एक ही चीज़ एक ही मूल मंत्रा आपका प्रोडक्ट जो है वो रिजल्ट ओरटेड हो पूरा फोकस दूसरा आपका कंज्यूमर जो है वो एडोकेट हो जाके आपके प्रोडक्ट की डिमांड करे और एक्सपीरियंस के लिए आप उसे वो तो तैयार हो

एक्चुअल डिसीजन की इसको मार्केट में डालते हैं हिमाचल so, तो दो दो दो, दो सवाल किए आपने पहले तो बात की केशकिंग के पीछे आपका आइडिया क्या था कॉन्सेप्ट क्या था दूसरा आपने पूछा कि डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा आपका जब सेलिंग टीम नहीं थी तो कैसे लोगों को पता चला कंज्यूमर कैसा अवेयर हुआ केशकिंग का आइडिया ये था कि देखिए जब मेडिकल स्टोर पर आप खुद जा रहे हैं तो आपको मालूम चलता है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं हेयर है ऑयल हिंदुस्तान में हेयर ऑयल लगाना एक आम चलन है लोग हेयर ऑयल लगाते हैं अब वो मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं कोकोनट ऑयल लगाते हैं या उसके बाद कुछ ब्रांडेड ऑयल हैं जो मल्टी नेशनल कंपनीज के ब्रांडेड ऑयल हैं जो ऑयल लगाते हैं तो देखा कि ये मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा इतना रेंज इतना क्यों बिक रहा है फिर भी जबकि ये ये प्रोडक्ट जो हैं आपको प्राइस भी ऑफर कर रहे हैं फिर भी बालों पे लगाने के लिए कोकोनट ऑयल जो है स्पेसिफिक कोकोनट ऑयल क्यों बिक रहा है तो समझ में आया कि मार्केट में हेयर हेल्थ का कोई भी हीरो ब्रांड नहीं है जितने भी प्रोडक्ट हैं वो फैशन को एड्रेस कर रहे हैं बाल रहे हैं हल्के बाल रहे हैं सुलझे वो क्लच निकल रहे हैं और बाल ग्लिटर कर रहे हैं इस तरह के कंज्यूमर को इस ऐसी इंडस्ट्री में आ गए आप कि आपको बाल ना सिर्फ दिखाए जा रहे हैं कि जब आप चल रहे हैं तो देखिए बाल कैसे हिल रहे हैं और कैसे घूम रहे हैं बट वो ज़रूरी है कि आपका हेयर हेल्थ जो है पहले वो इंश्योर हो तो वहाँ से ओरिजिन होता है कि हेयर हेल्थ के लिए एक हीरो ब्रांड जो है वो होना चाहिए और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए कि दिस इज़ द ब्रांड जो हेयर हेल्थ के लिए है अब आपने उसको एक्सपीरियंस को हटा दो इसकी एरोमा अच्छी है नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये स्टिक कर रहे वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सबसे पहले हेयर हेल्थ को इंश्योर करो तो जो सर्टन विधियाँ हैं जैसे शीरपात विधि से आपने एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है लोगों तक पहुंचा और उसके बाद प्रोडक्ट में फिर ऑनगोइंग चेंजेस होते रहते हैं आप आ, कुछ चीज़ें जो मॉडर्न साइंस साइंस से भी आप आजकल जो हंड्रेड काइंट्स ऑफ जाए रिसर्चेज हैं जिससे आप बेनिफिटेड होते हैं आप चीज़ों को और इन्श्योर करते हैं तो वो आइडिया सर एंट्री की बात करता हूँ कि इतना बड़ा गैप था कि आप तो भाई साहब एकदम लात मार के घुस गए तो वो बड़ा एक बहुत बड़ा गैप था जिसे किसी ने टैप नहीं किया और हमारा फॉर्चुनेटली जो कैंपेन्स थे वो भी सीधे थे Straight उसमें on. आपने रेड ओशन में नहीं गए अब रेड ओशन में नहीं गए आप सीधे खड़े हो गए आपने एक नई कैटेगरी डेवलप कर दी एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी डेवलप कर दी जो कहती है हेयर हेल्थ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी और नाम कैसे है? केश किंग इतना पावरफुल नाम है उसमें हिंदी भी है उसमें रॉयल्टी भी है यू एंड सम नाम के थ्रू ही और आइए आपके हर ब्रांड में उसके बाद सिग्नेचर रहा है आपका कि ब्रांड के नाम के थ्रू आप उसका इतना पावरफुल मैसेज दे सकते हैं कंज्यूमर को कंज्यूमर के पास लेकिन केश किंग का नाम कैसे आया हाउ हाउ वाज दैट क्रिएटेड किसी एम्प्लॉई का आइडिया था आपका था सारा मैम का था कैसे कैसे हुआ है हाँ देखिए ये जो नाम है आ, आपने बिल्कुल मेरे ख्याल पहली बार किसी ने सवाल किया शांतनु सारा मैम का आइडिया था कभी कि किसी ने इस तरह से सवाल नहीं किया और मैं तो बड़ी तारीफ करूंगा आपकी इस क्वेश्चन की Uh, क्योंकि अब आपसे बात करते हो मैं रिलीव really उन मोमेंट्स तो दोबारा जी रहा हूँ तो मेरे मन में चल रहा है कि ब्रांड हमें लाना है हेयर ऑयल के लिए हेयर हेल्थ के लिए तो एक तो सीधा था कि जो नाम है सेल्फ एक्सप्लेनरी होना चाहिए भी हमारे पास इतना अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को एडुकेट करेंगे जाके कि वहाँ नाम उसकी इतनी मैं नहीं बता सकता कि भाई तुम्हारा नाम भी याद रखे <laughs> तो आपका नाम सेल्फ एक्सप्लेनरी हो नाम की शुरुआत बता दे कि मैं किस नॉर्दर्न हिंदी तो, हम, क्योंकि हमारा मेन ऑपरेटिंग एरिया था और वहां पर हिंदी जो है आदमी बहुत अच्छी तरह समझता है केश वर्ड एक ऐसा है जो सीधी तरह से समझ में आता है <laughs> बात <laughs> तो वहां से कई चीजें आई केश सुरक्षा केश कवच केश ये वो तो मेरे को समझ में ये आया कि देखिए पहली बात तो ये कि नाम ऐसा हो जो इजी हो जो याद हो तो मुझे जो नाम पसंद आया था वो पसंद आया था केश क्वीन। और कहीं कही ना कहीं मन में ये था कि यार आप अपना टीजी जो है आप इतना छोटा कर लोगे प्रोडक्ट तो आपका यूनिसेक्स है बट अब जब आपने नाम केश क्वीन रखा तो आप जो मेल ऑडियंस को तो आपने मिस कर दिया तो हम किसी शादी से आ रहे थे पूरी फैमिली की बात बताता हूँ आपको ये वही खूबसूरत बात तो हम पूरी एक शादी से आ रहे हैं रात को और इधर से डेली से आ रहे थे तो गाड़ी में हम लोग पाँच पाँच छः लोग थे तो पूरी फैमिली थी मेरी वाइफ भी थी मेरी सिस्टर इन लॉ संगीता दीदी मेरे ब्रदर इन लॉ सभी थे तो कई राउंड ऑफ डिस्कशन हो चुका था तो मैंने अपने उनसे बात की सिस्टर उनसे सिस्टर इन लॉ से मैंने अपने उन, उन्हें बोला मैं क्या दीदी मैंने कहा कि आप केश किंग आप जो है वो यूज़ करेंगे अगर किंग नाम वो प्रोडक्ट का कहते तो क्या फ़र्क है केश किंग क्यों नहीं करूंगी किंग तो बिल, बिल, बिल्कुल मुझे अच्छा नाम है केश किंग तो और के, के फैक्टर याद भी हो रहा है मुझे तो मैंने कहा ठीक है फिर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से पूछा मैंने कहा तू केश क्वीन यूज़ करेगा कहता नहीं मैं तो केश किंग करूंगा <laughs> मैंने कहा ठीक है लड़के में ईगो थोड़ा ज्यादा है तो लड़का क्वीन वाला प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा लेकिन लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट सही है तो यूज कर लेगी चालू किया तो, yeah. right. yeah. Yeah. हमने जब और हमको लगता था यार बॉम्बे लेडीज yeah. yeah. और वो भी हेयर रिमूवल जैसी चीज yeah. जहाँ पे थोड़ा शेविंग से डरती है ब्लेड होता है एक्सेट्रा yeah. यूज करेंगे कि नहीं बट वीर जेनली फ़र्क नहीं पड़ता हूँ mm -hmm. प्रोडक्ट अच्छा है mm -hmm. आप सही से बता रहे होटली बट दे आर मोर डिफिकल्ट टू प्लीज़ लेडी कंज्यूमर्स हमको बिकॉज ज़्यादा इवॉल्व होती हैं उनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है तो आपके प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट ओरिएंटेशन है जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए जो लड़के होते हैं देर हार्डर टू एंगेज उनका ध्यान लेना बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन एक बार आप उनके बाथरूम में चले जाओ कि उसके बाद परफॉर्मेंस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता तो वो उनको खुश करना थोड़ा आसान हो जाता है लोगों को लेकिन लड़के को इतना और एक चीज़ और शांत जो तो गर्ल्स है ना वो अगर किसी चीज़ से बेनिफिटेड हुई हैं तो सबसे बात शेयर भी करती हैं कि गो फॉर दिस थिंग दिस इज न्यू थिंग टाइप ना देर यू नो स्पीक अराउंड दैट थिंग बट बॉयज़ थोड़ा सा ना चुपके से निकल लेंगे <laughs> उसके uh, uh, बाद <laughs> uh, so uh, right. but... ho. <laughs> <laughs> आपने तीन राज्यों में थ्रू विदाउट सेल्स टीम थ्रू प्योर होल सेल डिस्ट्रीब्यूशन सुपर स्टॉक के थ्रू आपने चालू किया और यू डिड लोकलाइज कैंपेन्स फॉर केश किंग यस रैशनलाइज कैंपेन सो so, uh, सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पेपर एक मीडियम था सो so, न्यूज़ पेपर एक मीडियम इसलिए लिया गया क्योंकि मुझे एकदम से क्लियर था कि आपका प्रोडक्ट जो है ये हैम अब हैमर में मत जाओ प्रोडक्ट को याद में प्रोडक्ट को अगर सिर्फ प्रोडक्ट का नाम मशहूर करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि भैया ये बड़े बड़े एलिफेंट्स हैं जिनके सामने तुम खड़े हो गए हो आके अगर आपने ये क्या है तुम्हारे पास तुम्हारे पास एक्स फैक्टर क्या है ये है रिजल्ट दूसरा है गैप तो वो गैप समझाने के लिए आपको कम्युनिकेट सीधा करना पड़ेगा तो बड़ी सीधी सीधा कैंपेन मैं आपको बताऊं मेरा पहला कैंपेन था किसे प्राथमिकता देंगे आप बालों के स्वास्थ्य को या फैशन को स्टेट आपने बात की तो उसके बाद बोला कि ठीक है आप देखिए अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आप फॉल हो रहा है फॉल को अगर आप लोगों ने Uh, जो है इंश्योर uh, करना है कि वो वहाँ बेनिफिटेड हों तो ये सल्यूशन है ये ले लीजिए या घर बना लीजिए बट प्लीज़ बी जेंटल विद योर हेयर केमिकल्स मत लगाइए उस पर तो हम लोगों ने बात की 2009 में उस आज तो देखिए उसके बाद कई ऐसी रिसर्चिज आई और कई ऐसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए जो इस थॉट थौ, लाइन को आगे लेके गए हैं जी उन्होंने इस थॉट को और आगे लेके गए क्योंकि देखिए जो सच है ना वो अपने आप भी स्प्रेड होता है आपको तो सिर्फ थोड़ा सा इंड्यूस करना है तब हेयर हेल्थ में बजाज आलमंड डाबर वाटे का ये ये थे या देवर आल्सो मोर कॉस्मेटिक हेयर ब्रांड्स हाँ हाँ नहीं सभी थे आप ये सभी ब्रांड थे और आ, लाइट हेयर ऑयल थे ये आपका हेवियर था क्या क्योंकि आपके केस केसिंग का पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा कम है ले, लेट मिले आप हमें <laughs> <थे>। <laughs> तो योर्स और मोर मोर इनवॉल्व इं, एंड है ऑल हैवीयर देन हां जी नहीं हमारा केस में इसमें हेयर ऑल जो बेस ऑयल था और इसको एक प्रॉपर विधि से बनाया जाता है जिसमें हर्ब्स का टॉक्सिकेशन आता है तो आ, इस तरह से एक सिद्ध विधि से बनाया जाता है तब आपके वन मोर मोर एडिशन टू रॉयल कैप्सूल पावर एंड सो ऑन बिकम बिग वेरी इन द पोर्टफोलियो सॉरी देखिए जो है वो इतनी तेजी से बड़ा हुआ थोड़ा बताइए कैसे दो हजार आठ नौ दस यार आपको अगर आपको याद है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंज्यूमर्स को बहुत फैसिनेटिंग लगता है तो कैसे दिखती है वो क्या हाउ डिड यू क्वानिफाइट हाउ डिड यू मेजर इट एज द फाउंडर सो थ्री फिफ्टी करोड़ का टॉप लाइन था विद ए स्पैन ऑफ दिस दिसव ईयर जो हमने बनाया तो ऑफ दिस हेयर केयर इन फाइव ईयर ला जी फोर ईयर पाँच तो पूरे लगे ही नहीं क्योंकि नवंबर में स्टार्ट किया था आई थिंक तो दो तीन साल तो आई थिंक शायद चार साल में चार या पाँच चार पाँच साल में साढ़े तीन सौ करोड़ का टॉपलाइन आपने अचीव कर लेना ऑल प्रॉफिटेबल, ऑफ ऑफकोर्स आप तो इस इंडस्ट्री से आपको पता है कैसे बिजनेस जो हैं जब आप एग्जिट करते हैं तो किस तरह से ये बिजनेस जो है वो मेजर किया जाता है तो कैसे रबलिक वर यू एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन विद किंग आपको लग रहा था कि ये होगा इतने जल्दी इतने स्पीड से मुझे लगता है कि आ, राइट एंट्रपिन वो है जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले क्योंकि बात केशकिंग की हो रही है अभी तो केशकिंग को ही जिक्र करते हुए मैं बताता हूँ आपको कि केशकिंग को जब लॉन्च किया गया तो इसकी एम जो थी हंड्रेड थी और, और मेडिकल स्टोर से इसे लॉन्च किया गया था और हेयर हेल्थ की पोजिशन में से लॉन्च किया गया था और सडनली आपके पास कंजप्शन जो बहुत बड़ा हो गया तो अब आप एफोर्ड करने लगे कि अब आपने नीचे से एक तो बात यह है कि आप के पास कॉस्ट कटिंग की प्रोबेबिलिटी आ गई जहां आप वन लाख बोतल बनाते थे और वहां पर मान लीजिए फिफ्टीन लाख बोतल बनाने लग गए तो कॉस्ट कटिंग की प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास तो वह अंतरपनोर क्या कर सकता है वो कॉस्ट कटिंग का बेनिफिट अपने पास रख सकता है दूसरा ये कि मैंने वहाँ पर सोचा कि नहीं अब हंड्रेड में मैं जनरल स्टोर पर नहीं आ पाऊँगा क्योंकि ये बाइंग पॉइंट 186 अब बात कीजिए ना 2011 की बात कीजिए तो आजकल तो कितना वैल्यू अभी लगा के देखिए तो आ, मैं वापस आता हूँ कि 186 जो मेडिकल स्टोर का आपका बाइंग प्राइस है वो जनरल स्टोर में नहीं चलने वाला एक ऐसा इंटरप्रटेशन था मेरा और क्योंकि कॉस्ट कटिंग की भी आपके पास एक प्रोबेबिलिटी आ चुकी है तो वो हमने कॉस्ट कट एमआरपी पे दे दी अब 186 जिसकी आप सप्लाई नहीं पूरी कर पा रहे नो यू नो माकमा की एक ऐसा प्रोडक्ट 186 पे जिसकी आप सप्लाई नहीं पूरी कर पा रहे आपने उसकी अमर पे हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स कर दी ये सोच के कि मैं अपना टी जी बड़ा कर रहा हूँ करेक्ट मेरे काउंटर बढ़ा रहा हूँ करेक्ट और वो बड़ा ही करेक्ट डिसीजन था वहाँ wow. तो आपने फिफ्टी रुपीज जो है वो आपने कॉस्ट पे हाँ जी पूरा ही कम किया और पूरा कंज्यूमर कंज्यूमर पे को दिया ओवर नाइट डेसा जनता है ओवर दस रुपये एक क्वार्टर में ओवरनाइट बिकॉज देखिए जीटी पे आप एंट्री कैसे करोगे जीटी पे सौ रुपये की रेंज का प्रोडक्ट बेचोगे आप थोड़ा अगर आप परसेप्शन सोचिए हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स सौ रुपये के नज़दीक लगता है वैसे भी हंड्रेड एंड एट्टी सिक्स दो सौ रुपये के नज़दीक लगता है तो एक किस्म से आपने प्राइस पचास रुपये कम नहीं किया आपने आधी कर दी क्योंकि आप जो बाइंग वो सौ रुपये के आसपास हो रही है yeah. demand. So ये कि आपका जो परसेप्शन है वो थोड़ा आप ऐसी जी जीटी आराम से लेने ले लगा आपको तो काउंटर्स कितने बढ़ गए उसके बाद तीन राज्यों से ऑल इंडिया नॉर्थ इंडिया मतलब देखिए काउंटर पर हमारा कभी डायरेक्ट ट्रैक तो नहीं था बट ये है कि हर मेडिकल स्टोर पर हर जनरल स्टोर पर शहरों की बात करें बड़े टाउन्स की बात करें तो प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल होता ही था और ये सारा कमाल था कंज्यूमर पुल का और ट्रेड के इंटरेस्ट का कैसे रखा आपने ट्रेड के साथ रिलेशनशिप विदाउट अ सेल्स टीम आई एम श्योर आप खुद करते थे या फिर होलसेल के थ्रू आप बिकॉज यू फाउंडर जिसका हाँ जी, तो बहुत पे हाथ है हाँ, कैसे करते थे आप देखिए बात यह कि जब आप मैं आपको पहले बता कि होलसेल मॉडल आप समझते हैं क्या होलसेल में आप समझा दीजिएल मॉडल में शांतनु आपका एक स्टेट में एक सुपर स्टॉक है जैसे हरियाणा में पंजाब में ऐसे छोटे राज्यों में आपका एक स्टेट में एक सुपर स्टॉक है पॉइंट है कंपनी का डिपो आप समझ लीजिएगा और बड़े स्टेट में आपने इसको जोन में बांट दिया जैसे यूपी में आपके पास छः हैं या महाराष्ट्र में चार हैं या राजस्थान में दो हैं इस तरह से आपने बांट दिया तो अब आपने हर पॉइंट पे एक सुपर स्टॉकिस्ट रखा वो सुपर स्टॉकिस्ट की पर्सन है उससे इनिश इनिशियली तो मैं खुद एक आ, कनेक्ट में रहता था जब शुरुआत की थी अभी भी सभी दोस्त हैं हम लोग आ, बात होती है उनके बर्थडे पर तो हमेशा बात होती है कभी एनिवर्सरी हो तो मेरा एक याद आते कि मैं कनेक्शन जो है अपना अच्छे सुख दुख में याद करता ज़रूर जरूर हूँ तो वहाँ से आगे उनके पास जो नेटवर्क है वो नेटवर्क जो है हम कॉल सेंटर से अटैच कर देते थे कि कभी कभी प्रोडक्ट का अगर अनवेलेबिलिटी हो तो वो कॉल सेंटर से देख के बता देते थे, थे कि प्रोडक्ट आपको यहाँ मिलेगा क्योंकि तब ये आपके ई कॉमर्स मॉडल तो थे नहीं कि हाँ जी प्रोडक्ट आप यहाँ इस वेबसाइट पे आइए और आपको भेज देंगे ये तो चीज़ें बाद में इन्वेंट हुई हैं डिस्ट्रीब्यूशन में वीकनेस की वजह से डिमांड वेस्ट ना हो बिकॉज अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मान लीजिए आपका मान लीजिए मेरा जैसे जस, मेरा ब्रांड है पेट सफ़ा अब पेट सफ़ा का हम लोगों ने बड़ा हैवीली कैंपेन किया कंज्यूमर को एडुकेट किया कंज्यूमर को बिलीव दिया फेथ दिया कंज्यूमर बाजार में गया और उसने मेडिकल स्टोर पर बोला पेट सफ़ा है क्या मेडिकल स्टोर ने बोला नहीं है तो अब वो तो मन बना के आया तो क्या ये नहीं जी ये वाला ले जाओ इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है तो मान जनरल स्टोर पर गया यही चीज़ अगर मान लीजिए अगर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप अपने कंपटीटर के लिए काम कर रहे हैं करेक्ट बना बनाया ब्रांड किसी और को दे रहे देखा आपने एक कंज्यूमर को बाइंग के लिए आपने उसे एडुकेट किया इंड्यूस किया और वो जाके वहाँ से दूसरा प्रोडक्ट जो है बाय करके ला रहा है क्योंकि आपके ऑपरेशनल एक्सीलेंस में फेलियर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन पेनिट्रेशन में फेलियर है तो ये इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है कि आप अवेलेबल हों आप उपलब्ध हों करेक्ट ऑल इंडिया में आपके हर सुपर स्टॉकस के साथ आपका रिलेशनशिप कॉल सेंटर के थ्रू आपका आपके सीनियर टीम का डिड यू मेंटेन इट हाउ कैसे मैनेज किया क्योंकि लेकिन हमको तो बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ में हम मतलब इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस फॉर अ यंग ब्रैक हाँ क्या दिक्कत जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे अभी प्लेसेज सिक्सटी फाइव सेवेंटी थाउजेंड काउंटर्स हैं हर काउंटर में कौन से प्रोडक्ट्स हैं mm -hmm. वो बिके हैं कि नहीं वहाँ पे जाके हमको ऑर्डर लेना है कि नहीं वो सेल्स पर्सन के बीट में आ जाना चाहिए कि नहीं um, हमको अगर वहाँ से रिकवरी करने हैं पैसे अगर डिस्ट्रीब्यूटर से हमने एडवांस लिया है तो हम डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं कि आपका पैसा हम रिकवर करेंगे जहाँ से सेल हुई है वो हमारा काम है लेकिन हमारे तो मतलब बहुत एफर्ट लगता है उस चीज़ में कि पता करें कि कौन से काउंटर पर कितना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है कि, कि, कि कितना बिक रहा है कितना बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज देयर नॉट वेरी टेक्नोलॉजिकली सैवी तो वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्टिस इतना स्केल पे हाउ डिड यू कीप इन लाइक हाउ डिड यू स्टेन इन टच विद या फिर आप बोल रहे हो कि कंज्यूमर पुल इतना था कि इन्वेंटरी वॉज नेवर अ प्रॉब्लम सो so, देखिए एक चीज शांतरू आप देखिए प्राइमरी सेल्स कभी भी आपकी सेल्स नहीं है जो कंपनी ने आगे इन्वॉइस किया दैट नॉट योर सेल करेक्ट सेकेंडरी वहाँ से मान लीजिए नीचे के मीट पर गया वो भी सेल नहीं है सुपर मान लीजिए सेमी स्टॉक पर गया या होल सेल में गया वहाँ से नीचे रिटेल या जनरल स्टोर पर गया वो भी सेल नहीं है आपका कंज्यूमर खरीद के लेगा तब भी आपकी सेल नहीं है प्रोडक्ट जब सील खुलेगा जब वो कंज्यूम करेगा तो आपका सेल्स सेल, सेल होगा उससे पहले वो आपका सेल्स नहीं है तो कंपनी में बे... मुझे लगता है कि एज ए प्रमोटर जब तक वो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं हुआ तब तक तो प्रोडक्ट आप ही का है कभी भी वापस आ सकता है कभी भी वापस आ सकता है और आपको इतना कोरियल होना चाहिए बिकॉज देखिए जो आपका ट्रेड मॉडल है इंडिया में इतने स्क्वीज मार्जिन पे काम होता है शांतनु इतने मार्जिन स्क्वीज हैं एक तो क्या इनका, इनका इंटरनल कंपटीशन भी बहुत चलता है कंपनी ने मान लीजिए सेवन एट परसेंट उन्हें ऑफर किया भी है तो ऑपरेट वो थ्री और फोर परसेंट पर करते हैं उस पर उन्होंने पैसा भी लगाना है और सारी चीज़ें आगे सप्लाई भी और हर चीज़ इंश्योर करनी है उसके बाद जब मान लीजिए आज एक कंपनी बोलती है कि ठीक है जी ये शॉर्ट एक्सपायरी मैं नहीं ले रहा या ये डैमेज मैं, नहीं ले, मैं ये नहीं ले रहा मैं ये नहीं ले रहा मैं वो नहीं ले रहा तो मॉडल क्या है कि कहीं कही ना कहीं अंदर से आपसे रिबेल करेगा वो कंपनी से उसका ना दोस्ती नहीं होगी तो मुझे लगता है कि डाउन द लाइन आपको इतना कॉन्फिडेंस तो देना पड़ेगा क्या एक दो परसेंट का आपको फ़र्क पड़ेगा वन परसेंट का फ़र्क पड़ जाएगा बट उनको इतना आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर है आपको जब प्रोडक्ट मान लीजिए रिटर्न आता है तो आपको अपनी कॉस्टिंग से चेक कीजिए ना अगर उसको गया तो उसकी कॉस्टिंग से चेक कीजिए तो मुझे लगता है कि मेरा जो ट्रेड पार्टनर है अगर मेरा ट्रेड पार्टनर ग्रो कर रहा है तो भी मैं ग्रो करूँगा अगर मेरा ट्रेड पार्टनर ग्रो नहीं कर रहा तो मैं कभी ग्रो नहीं करूँगा आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और अपने बेनिफिट्स के साथ उसके हितों की भी उतनी ही सुरक्षा करनी है आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड किया था फिर आपका जो इनिशियल प्लान था हिमाचल में उसी के थ्रू आप 350 फिफ्टी करोड्स तक स्केल कर गए यू 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 एंड अप डिड डिड यू, यू सेट अप मोर मैन्युफैक्चरिंग सॉरी हाँ नहीं मेरे फर्स्ट ब्रांड की जो, जो आप बात कर रहे हैं थ्री फिफ्टी करोड्स का जो रहा तो वो तो मैनुफैक्चरिंग हमारे पास ही थी तब तक तो क्योंकि आपका एक ही तो हीरो ब्रांड है और सिर्फ उसी को आपने बनाना है तो प्रोडक्शन कोई बड़ा चैलेंज नहीं होता उस टाइम बट ये मल्टीपल ब्रांड मल्टीपल एस में जब जाते हैं तो आपको बिगर फैसिलिटीज़ बिगे स्ट्रक्चर्स चाहिए और फ्लेक्सिबल क्या पॉइंट था 2009 से 2013-14 तेरह चौदह जब केशकिंग वॉज ग्रोइंग लाइक दैट एक पॉइंट आया होगा जब आपको लगा होगा कि हर नाव इंडिया के नंबर वन हेयर हेल्थ ब्रांड हम बन सकते हैं वो क्या पॉइंट था वॉज देर ओवर नाइट मोमेंट कि आपको लगा कि नाव आफ्टर सेवन एट नाइन ईयर्स ऑफ मार्केट वर्किंग बिल्डिंग द कंपनी ब्रिक बाई ब्रिक क्या आपको लगा होगी हाँ अब अब कुछ तो मैजिकल हो हुआ है मार्केट में हर आदमी का अपना टेम्परामेंट है शांतनों मेरा जो टेम्परामेंट है वो ये है कि मैं ना बहुत ज़्यादा आ, बड़ी चीज़ें नहीं सोचता मैं तो मतलब कि बहुत लंबा नहीं सोचता मैं okay. आज से जस्ट, जस्टिस करता हूँ मुझे लगता है कि सफ़र खूबसूरत होना चाहिए तो अगर मेरे पास जो आज का अपॉर्चुनिटी है वो मेरा राइटली इन्वेस्ट होना चाहिए मेरे प्रोडक्ट के लिए जो मेरा कर्मा है मेरे उसके लिए वो बेस्ट होना चाहिए उसके बाद मैं लंबा ये नहीं सोचता कि मुझे नंबर वन होना है या नंबर टू होना है या मुझे ये करना है ऐसा कभी सोचा नहीं क्योंकि फिर वो कहीं अपना मुझे लगता है कि वहाँ आप एक एल्यूजन में आ जाते हैं दिशा भ्रम में आ जाते हैं आप विच इज़ वेरी कॉन्ट्र डॉक्टर की आजकल के आज कल ये बोला विजनरी है तुम्हारा विजन क्या है दस साल में क्या बनाना चाहते हो तुम बड़ा सोचते हो कि नहीं तुम्हारा मार्केट अपॉर्चुनिटी बड़ा है कि नहीं दिस इज द प्रेशर यू एंड सो पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ मोर जर्नी ओवर डेस्टिनेशन मुझे ये लगता है कि आ, देखो शांतनु आपको ना बड़ी ऑनेस्टी से अपने आप से बात करो आप ना पहले ही देखो कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ मैं धंधा कर क्यों रहा हूँ ऑनेस्टी से ये सोचो मेरा एंड गोल क्या है मैंने कंट्री कॉन्ट्रीब्यूट करना क्या मुझे अपनी जो कंट्री है उसके कंट्रीब्यूशन के लिए मैं बिज़नेस कर रहा हूँ मुझे आ, जो हैं रोज़गार पैदा करने हैं या मुझे चैरिटी करनी है या मुझे आ, सिर्फ अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है या मुझे भैया पैसा कमाना है तो मुझे लगता है कि अगर आप ना वो चीज़ जरूरी है अगर लंबा सोचना है ना तो वो सोचना जरूरी है जो कि एक मिनट की बात है जैसे अगर आप मेरी बात करें तो मेरा बचपन से मानना है मेरे जब भी जब भी बिज़नेस किया मुझे लगता है कि मेरा एंड गोल जो है दैट इज़ हैप्पीनेस मेरा एंड गोल क्या है मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ अब वहाँ तक पहुँचने के रास्ते क्या हैं उसको फेसिस में बांटिए आपके फाइनेंशियल सक्सेस उसका एक वर्टिकल हो सकता है बट वो अकेला वर्टिकल नहीं है आपको उसके लिए अगर फाइनेंश सिर्फ आप देखिए कितनी देर याद करोगे कि मेरे बैंक में कितने पैसा हैं कितनी देर याद करोगे कि भैया मैं तो ये अफ़ोर्ड कर सकता हूँ या ले आपको ये चीज़ें कोई बहुत खुशी नहीं देती अब मैंने तो देखिए फ़र्श भी देखा और अर्श भी देखा सारी चीज़ें देखी तो मैं तो इस चीज़ को ज़्यादा मजबूती से कह सकता हूँ कि और मैंने शुरुआत में भी कहा था कि खुशी कोई बड़ी महंगी चीज़ नहीं है अगर खुश रहना है अगर वो एंड गोल है तो मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर भी यात्रा करनी होगी वेरी ट्रू। मुझे लगता है कि अगर एंट्रोपन थोड़ा स्परिचुअल होना ज़रूरी है अगर आप सच के नज़दीक नहीं है ना तो बाद में लगेगा कि यार ये तो जो अपना हमारा गलत जगह पे हमने अपना अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि एंड ऑफ द डे हम एक अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना स्किल इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना विल इन्वेस्ट कर रहे हैं अब वो कहाँ कहाँ कितना रखना है ये आपने तय करना है देवेस्ट, देवेस्ट। नहीं, देवेस्ट। नहीं, देवेस्ट। आपको लगता है आप आप तो यू नो यू आर नाउ एक्टिव आप टाइकॉन में मिले थे आप जहाँ पे आप काफ़ी ऑन्टरप्रीनोर्स से इंटरेक्ट करते हैं एम श्योर मेनी ऑन्टरप्रीनोर्स रीच आउट टू यू एज वेल आपको लगता है कि ऑन्टरप्रीनर्स हैव द सन्सियरिटी ऑफ द जर्नी ओवर द डेस्टिनेशन या आपको लगता है कि ऑन्टरप्रनोर टू डे आर मोर अबाउट क्विक रिजल्ट इम्पेश लगते हैं आपको या फिर देखो जो बदलते हैं, वक्त के साथ नहीं बदलता ना जमाना उसे बदल देता है ये तो सच है तो आ, जो आज का मैंने अगर एक आइडियोलॉजी की बात की वो एक भाग है अगर सिर्फ आप बात करें कि आ, किस तरह से आपको अपने बिजनेस को ग्रूम करना है और आज के ऑन्ट्रप्रेनोर की बात करें तो मुझे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट बड़ा एजाइल और बड़ा अलर्ट है और आ, मुझे लगता है कि आ, सीखना चाहिए उनसे वो तो मतलब कि चीज़ों को इतनी आसानी से उनके पास सोलूशन है कि बोले आप तो <laughs> हाईवे से जाते थे और वो शॉर्टकट से निकलते हैं बट प्रॉब्लम ये है कि शॉर्टकट आदत ना बन जाए आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप <laughs> सिर्फ एक डायरेक्शन में ही सफ़र तय कर रहे हैं एक डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं तो थोड़ा ये भी सोचना पड़ेगा कि जस्टिस करना पड़ेगा जो आप अपनी लाइफ में अपने आप से बात करते हैं लेट्स अगर आप कहते हैं कि आई एम डूइंग फॉर माई फैमिली फ्रेंड्स सोसाइटी फॉर मी ये इस बात क्लैरिटी से खुद से करें अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ तो फैमिली के लिए भी तो अवेलेबल होना अगर आप कह रहे हैं फ्रेंड्स के लिए तो फ्रेंड्स के साथ कब थे अर सोसाइटी के लिए तो मुझे लगता है जैसे आप वेल्थ पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं वैसे आप अपना टाइम को डिज़ाइन कीजिए कि मुझे कितना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है और आसानी से होता है ऐसा नहीं है कि बहुत भागोगे दौड़ोगे स्पीड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट नंबर वन नंबर टू अपॉर्चुनिटी कल भी थी आज भी है और कल भी रहेगी पाँच साल आपने केश किंग के जैसे आपने खुद बोला हंसते के बनाया आपने आप तो मतलब आई थिंक

इतना लार्ज मीडिया बजट आप खुद नेगोशिएट करते हैं सो आई एम श्योर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट काफी रहा होगा ये आपका ऑलमोस्ट यू कैन के बाद दिस इज़ ट्वेंटी थर्टीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी 2014 हैपन थ्राइविंग प्रॉफिटेबल सुपर फास्ट ग्रोइंग बिजनेस को ये सोचना कि दिस कैन नाउ बी

how did it happen it's a most people don't realize that it is a emotional decision for the founder 아니 بڑا आपने खूबसूरती से यह सवाल किया शांतनु इसमें एक मैं चीज करेक्ट करना चाहता हूं पहले यह कि जैसा आपने कहा कि मुझे एमएनसी को डिफीट करना है तो मुझे किसी को डिफीट नहीं करना था मुझे खुद को पोजीशन करना था और आ, मुझे लगता है कि मैंने और हमारी टीम ने ख़ुद को अच्छा पोजीशन किया और दूसरा आपने जो बात की वो ये कि देखिए ब्रेन बेबी है ब्रेन बेबी इसे आपने फील किया है तो मुहब्बत तो ही जाती है जब पादी आदमी हो तो नहीं? पर देखा यह जाता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है अगर हम हेयर किजने हेयर केयर के बिज़नेस की बात करें जिस ब्रांड की हम बात आज की चर्चा में कर रहे हैं तो एक ऐसा सर्टन पॉइंट आ गया जब आपको लगा कि अब इसके बाद इससे जस्टिस कर सकते हैं क्योंकि अब आपको और बड़ा प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाना है अब आपको और चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में जाना है बीट टू बीट और एक एक डेटा को आपको फॉलो करना है और एक एक चीज़ों को देखना है तो आपका टेम्परामेंट क्या है तो इमोशनल डिसीजन ज़रूर होगा पर मुझे लगता है कि राइट एंटरपिन right वो जो राइट right टाइम पर राइट right डिसीज़न करता हो और राइट right डिसीज़न वो नहीं कि राइट डिसीज़न किसके लिए बेहतर है आप जिस अगर बेबी की बात करें उस बेबी के लिए क्या बेटर है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आ, पूरा जस्टिस हुआ है उस बिजनेस के साथ और हम बड़े अच्छे दोस्त हैं पूरा हमें परिवार मिला है गोइका फैमिली अगरवाल अगरवाल फैमिली आज तो बच्चों की दोस्ती है और बच्चों की बात होती है और हमें मालूम भी नहीं होता वो प्लान करते हैं और पूरा जस्टिस हुआ है आज वो जो ब्रांड है और ज़्यादा कंज्यूमर्स को उसने टच किया है और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट किया है और डे बाई डे चीज़ें बड़ी हो रही बड़ा फ़ख्र होता है बड़ा खुशी होती है और पता नहीं क्यों मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि ये ब्रांड मेरा नहीं है हालांकि मैं थोड़ा संकोच करता हूँ कभी बार पब्लिकली बात करते हुए पर अंदर से तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं मुझे हमेशा लगा कि हमारा ही है और मेरे ख्याल से मुझे हमेशा ये महसूस करवाया गया है अगरवाल फैमिली गोयका फैमिली के द्वारा कि संजीव दिस इज़ योर प्रोडक्ट इज योर ब्रांड वेरी हम्बल वेरी थैंकफुल हाउ डट चूज़ द फाइनल बायर आई एम श्योर वो वॉज इट अ लार्ज प्रोसेस या फिर दोस्ती हो गई मिले आप तीन चार बार और कॉन्वर्जेसन में सिनर्जी पता चली आपको और आपको कम्फर्ट आया या फिर वॉज इट अ मोर एलेबोरेट फॉर्मल प्रोसेस देखिए क्या कि मुलाकात में सिनर्जी तो पता चलती है बट दोस्ती थोड़ा गहरा लफ्ज़ है वो कई तजर्बों के बाद होती है तो उसके लिए कई बार आपको अच्छे बुरे अच्छे बुरे तजुर्बों से निकलना पड़ता है तो दोस्ती होती है इस एनर्जी आपको पता चलती है जब बात हो रही थी बिज़नेस बिजनेस लिक्विडाइजेशन की तो उस टाइम पे इंटरेस्ट था कहीं पी फंड्स का इंटरेस्ट था एमएनसी का इंटरेस्ट था अच्छे वैल्यूशन थे इससे बेटर इससे बड़े वैल्यूशन थे बट जो मुझे चाहिए था मुझे ये चाहिए था कि आ, अगर मुझे एग्जिट करना है तो मुझे फिर कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं रखना फिर मुझे हाँ फिर मुझे इसके लिए क्या कि फिर मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा जस्टिस तभी कर पाऊंगा अगर पूरी तरह से मेरी गोद में है और पूरी तरह से हर डिसीजन मुझे लेना है तो आधा अधूरा काम उससे होगा नहीं तो बाकी जो इंटरेस्ट थे वो किसी ना किसी तरह से आ, हमें एंगेज रखना चाहते थे उसमें वेल्यूशन yeah, वाला फिर मैंने थोड़ा सेकेंडरी रखा और जो हुआ आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ दैट वर द लार्जेस्ट एक्विजिशन ऑफ अ होम ग्रोन ब्रांड इन इंडिया इन द कंज्यूमर वर्ल्ड लाइक हम मेरे जैसे ऑनटरप्रनोर्स hmm. आप शशांक से, से भी मिले होल ट्रूथ से hmm. हम जैसे जब हम बात करते हैं और अस योर स्टोरी इज अप देयर इन टर्म्स ऑफ की ऐसे ही चीज़ है दिस इज हाउ यू बिल्ड अ ब्रांड दिस इज हाउ यू क्रिएट वेल्थ फॉर योर क्या होता है सर कि ऑनटरप्रेनोरियल जर्नी को हम बहुत रोमेंटिसाइज करते हैं ऑन्टरप्रेनोरियल hmm. आउटकम से हम डरते हैं hmm. हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि इट फील्स ग्रीडी वेल्थ इज़ अ टॉपिक दैट इंडियन मिडिल क्लास फ्राउंड अपॉन हम लोग उस हम लोग वेल्थ से थोड़ा हम लोग बोलते हैं ना कि यार क्यों ग्रीडी बन रहे हैं ये वो बट तो हम ऑन्टप्रेनोरशिप के जर्नी से प्यार करते हैं लेकिन उसके आउटकम्स के बारे में बात करना इंडियन मिडिल क्लास को ज़्यादा पसंद नहीं है सो वी ऑलवेज इग्नोर दैट पार्ट कि जो जर्नी थी वो अच्छी थी हमने ये बनाया ब्रांड बनाया बट वेन समथिंग लार्ज ऑफ दिस नेचर हैपन्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज एंड ऑफ द डे वही आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टाइम आपका सारा मैम का बच्चों का ओवर टेन ईयर्स एंड एब्सोल्यूटली वॉट यू हैव बिन एबल टू बिल्ड विद दैट वेल्थ आफ्टर वीच व टॉक अबाउट अदर ब्रांड्स डेट केम अप थ्रू दैट प्रोसेस तो कै डिड इट मेक अ डिफरेंस टू यू लाइक वट इज योर रिलेशनशिप विध बेल्थ यस शांतनु मैं ये कहूँगा कि देखिए uh, जहाँ तक डिफ्रेंस की बात है मुझे लगता है कि लाइफ स्टाइल इज ए पैटर्न कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है तो मुझे लगता है कि एक सर्टन नंबर के बाद ना आपकी लाइफ स्टाइल में कोई बड़े चेंजेस नहीं होते है. तो सिर्फ आप अपनी जिम्मेवारियाँ ही बढ़ा रहे हो <laughs> टेंशन हाँ और दूसरा मैं कहना आ, again, ये कहना चाहूँगा कि अच्छा अगेन मतलब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल का टेम्परामेंट है टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो हमेशा जो भी वेल्थ मैंने जनरेट की मेरे मन में ना सिर्फ पहला ही थोड़ी आता है कि आई वॉन्ट टू डू जस्टिस विद दिस वेल्थ कि मेरी आइडियोलॉजी में मेरी फिलोसफी में मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज में आई शुड डू जस्टिस विद दिस वेल्थ इसके अलावा दूसरी को बहुत ज़्यादा सोच विचार आए नहीं। और जो हमारा लाइफ स्टाइल था अभी भी वही है और हैप्पी uh, हैं खुश हैं <laughs> लेकिन सर एक बात बताऊँ देविता देवम वुडे बिन नाइन टेन इलेवन ईयर्स ओल्ड अभी अब उन्होंने भी अखबार में पढ़ा होगा उनको स्कूल में उनके दोस्तों में बताया होगा sure नहीं, मैं यहाँ एक चीज़ मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा शांतनु ऐसा नहीं कि उन्हें किसी ने बताया होगा मुझे लगता है कि पेरेंट्स क्यों सोचते हैं कि बच्चे जो हैं वो आपके डिसीजन का पार्ट नहीं करते मैंने तो अपनी लाइफ में ज़िंदगी में कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा डिसीज़न लिया है मैंने हमेशा बच्चों को उसमें एक पार्ट बनाया है रदर मैं तो ये कहूँगा कभी मेरा अपनी वाइफ से अगर आर्ग्यूमेंट भी हुआ है तो भी मैंने बच्चों को पार्ट बनाया है क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे बड़े कब होंगे बच्चे बड़े तब होंगे जब आप उन्हें ये एहसास दिलाओगे कि आपका जो सजेशन है वो वैल्यू करता है तो जब हेयर केयर बिजनेस में लिक्विडाइज करना था मैंने घर में बैठ के उनसे भी बात की बट एब्सोल्युटली छोटे होंगे वो भाई ऐसा है वो गोड नोज वो उन्हीं की किस्मत से जो है ये चीज़ें बनी हो हु नोस तो मुझे लगता है कि देखिए अगर लेडी लक वर्क करता है तो बच्चा भी तो अपनी किस्मत लेके आता है तो मैं अकेला कौन होता हूँ कोई चीज़ में फ़ैसला लेने वाला मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हें हक दूँ अपनी बात कहने का तो मैंने उनसे बात की थी कि हाँ बच्चों मैं ये सोच रहा हूँ आ, आपका टेक क्या है मेरी वाइफ से पूछा आपका टेक क्या है तो उन्होंने बोला सोचना भी मतलब सोचना भी मत कहते हमारी तो आइडेंटिटी है भैया रिस्पेक्ट इससे मिलती है हमें कहीं जाते हैं तो, तो सोचना भी मत बट फिर दूसरा काम है उसके बाद उन्हें कन्विंस करना अब उन्हें डार्क साइड ब्राइट साइड दिखाना बेहतरी बताना जो आपकी थॉट लाइन है उनसे उनको रूबरू करवाना तभी तो बच्चे बड़े होंगे आज तभी वो इज्जत करते हैं तभी वो कल मेरी बात क्यों मानेंगे जब उन्होंने हिस्ट्री में अपने पेरेंट्स को एक सही डिसीज़न लेते देखा, एक लॉजिक के साथ तो आने वाले टाइम में अपनी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजन में वो आपको पार्ट बनाएंगे क्योंकि आपने एक पैटर्न सेट कर दिया अगर आपने उन्हें पार्ट नहीं बनाया तो पैटर्न सेट कर दिया कि आप हमें भी पार्ट मत बनाइए एंड आपको लगता है पेरेंट्स आजकल ऐसे सोचते हैं बिकॉज एट द एज ऑफ नाइन टेन इफ आई लुक एट अ थर्ड स्टैंडर्ड चाइल्ड मेच्योरिटी नहीं होती अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफ इन अ नंबर वो भी नहीं होती कैसे आएगी मेच्योरिटी मुझे लगता है हम बात करेंगे तो मेच्योरिटी आएगी उन्हें मौका दो आपको मालूम ही नहीं कि क्या कितने बड़े बड़े बच्चे सजेशन दे देते हैं सुनो नहीं भी अगर मान लो आप कन्विंस हो रहे हो कन्विंस होने की एक्टिंग करो उनको थोड़ा मतलब कि महत्व दो देखिए अगर आप उसको महत्व नहीं दे रहे तो आप उनकी ईगो को चैलेंज कर रहे हो तो मुझे लगता है कि बात तो रिलेशनशिप की होगी एकदम से तो हमारा तो सब्जेक्ट ही चेंज हो गया <laughs> नहीं, ऐसा होता है बार बार शाम ऐसे ही होता है सर <laughs> टॉपिक तो मुझे लगता है कि आ, मुझे लगता है कि आपको अपनी फैमिली में चाहे वो आपके बच्चे हैं ग्रैंड पेरेंट्स हैं पेरेंट्स हैं हर एक को अपनी बात कहने का पूरा राइट दिया जाना चाहिए सुना जाना चाहिए और उसके बाद अपने आइडियोलॉजी से उनको रूबरू करवाना चाहिए बताना चाहिए कि मैं डिसीजन ये लेना चाहता हूँ और वेट करें उसके बाद डिसीज़न लें नंबर वन और नंबर टू कभी भी ये वहम मत पा कि आप ही जो हैं वो सब कुछ हैं और सारे टैलेंट आप में ही हैं ऐसा कुछ नहीं है ये वहम है सिर्फ आप ज़िंदगी के किसी एक डायमेंशन में बड़े हो सकते हैं किसी एक क्षेत्र में आगे हो सकते हैं आप बाकी चीज़ों में कितने लोग हैं जो आपसे बेटर हैं आपको मालूम है अगर मेरे को आज अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन करना है तो मैं प्रोडक्ट को मान लीजिए चार रखता हूँ तो मैं नहीं बताता इन चार में से कौन सा है मैं तो अपने स्टाफ में से पाँच लोगों को बुलाता हूँ किसी पीओन को बुलाता हूँ किसी फ्रंट डेस्क से बुलाता हूँ कि आप बताऊँ उनमें से कौन सा अच्छा है बिकॉज़ बायर तो वो है आप बायर नहीं हो तो मुझे लगता है कि और हर एक को अपनी बात कहने का मौका नहीं सुने सबसे बेहतर चीज़ है इज्जत आप हर एक को अगर इज्जत देंगे तो आपको सामने से बड़ी इज्जत मिलेगी भाई बड़ा खूबसूरत बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है मैं आपको बता रहा हूँ अमेजिंग अमेजिंग ओवर नाइट डॉक्टर वो यू काइंड ऑफ आई एम श्योर यू वोड बिन पार्ट ऑफ रिचेस्ट पीपल ऑफ़ इंडिया फ्रंट पेज ऑफ न्यूज़पेपर्स बिजनेस में इंटरव्यूज़ टीवी पे इंटरव्यूज़ वो हुआ होगा एक फेज यू ऑल्सो स्पीक अबाउट की सिक्योरिटी इशूज़ यू फैल्ट डट ये चीज़ बाहर जानी नहीं चाहिए लोगों को पता नहीं चलना चाहिए वॉज डिफ़िकल्ट देखिए मुझे लगता है कि वक्त बदलता है uh, आज के ज़माने में हर एक साल दस साल का फासला तय करता है जो हमारे ज़माने में दस साल फासला तय करते थे अब एक साल तय करता है करेक्ट तो मुझे लगता है कि जो उस समय का जैसे चीज़ें थी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर फैमिली में लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और फ्लैशी नहीं होना चाहिए ज़्यादा तो अगर मान लीजिए आप सामने आ रहे हैं तो सिर्फ आप क्या इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि यस मैंने कोई बड़ा कर दिया कुछ और आप जो हैं आप पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप नोटिसेबल हों और बट इससे कुछ मिलेगा नहीं आपको अगर आज हम बार बार शॉप पर बैठे हैं तो उसका एक पर्पज़ है पर्पज़ ये है कि जो हमारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है वो हम नेक्स्ट जनरेशन को और बदिंग एंट्रप्रनोरस को वो तजर्बा दे पाएँ अगर हमारी आज अगर आज हम सौ बातें कर रहे हैं कोई एक भी बात किसी की भी जहन में आ गई करेक्ट तो कितनी खूबसूरत बात है यार हर चीज जो है वो मीनिंगफुली इन्वेस्ट होनी चाहिए तो पोस्टली इन्वेस्ट होनी चाहिए मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था किसी तरह का सभी को ना बोला था क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी हमें कोई आ, ऐसा एक्नोलिजमेंट नहीं चाहिए था कि जय हो जय हो वाला एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए था तो उस टाइम तो सिर्फ ये था कि आप आराम से बैठिए और अपना अपना अग, अगला कर्म ठीक है आग, आगे 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 जो कर्म आपका होना चाहिए जो आगे, आगे आप को जस्टिस करना चाहिए अब न्यू रिसोर्सिस के साथ तो वही एक मेन मोटिव था मेजर डॉक्टर uh, उसके बाद जो आफ्टर दैट अ लार्ज योर सेकेंड ऑनटरप्यूनरल योर थर्ड थर्ड ऑनटरपिनल स्टैंड वुड काइंड ऑफ ब्रेक इट ऑफ दैट वेरी पहले पाँच छः साल वॉज अ पर्टिकुलर यू नो काइंड ऑफ मार्केट मॉडल टिल सेवेंटी लैक्स अयर फिर आपने केश किंग ब्रेकआउट ब्रांड किया एग्जिट किया ट्वेंटी फोर्टीन में generated a lot of wealth became and by that time you would you would have been maybe 38 39 years old right so more immature more experienced mm -hmm. the children were older uske baad apna experience time effort investment aapne brands banane let's talk about them because they are very fascinating brands Paid Safa, for example is a pure digestive nutraceutical brand जहाँ पे आपने मतलब अगर मैं खुद खुद की मार्केटिंग ब्रेन के अंदर जाऊँ मैं सोचता हूँ कि इट इज़ एब्सोल्युटली जीनियस कि उसमें आपने नाम भी ऐसे रखा आपका आपका वो आ, लोगो यूनिट जो है जो किसी भी शेल्फ से दूर से पता चल जाता है क्या है आपका कलर कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड रेड नेम चॉइस एवरीथिंग सीम्ड जीनियस बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट बट जब आप कर रहे थे उस चीज़ को hmm. आ,

बिकॉज uh, आप uh, खुद एक ब्रांड मेकर हैं और आपने ये चीज़ें आपने इस चीज़ को जिया इसीलिए आप वो चीज़ें जो है नोट कर पाए तो जीनीस uh, वो है जो महसूस कर पाता है ये चीज़ बेहतर है <laughs> तो uh, पेट सफ़ा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कब चालू होता सर पेट सफ़ा कब चालू किया था सिक्सटीन uh, में शुरू किया था सिक्सटीन सेवनटीन सिक्सटीन में शुरू किया था एंड ऑफ सिक्सटीन में और लग्जेटिव कैटेगरी में अगेन एक जो हीरो ब्रांड था हमारी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड था उसको जब कौन सा था वो ऐसे मैं नहीं कोई नाम मेंशन करना चाहूँगा बट उसमें मतलब कंप्लेंट्स थी कुछ कंज्यूमर की कि जैसे कंप्लेंट्स ऐसे नहीं को बोलूँगा कि आप समझिए कि डिसएग्रीमेंट बोलेंगे उसको हाँ. कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स के एग्रीमेंट्स थे कंज्यूमर के कि ये स्ट्रिक हो जाता है अगर हम इसको यूज़ करता है इस पाउडर को तो तो दूसरा ये था कि इस तरह के कुछ उसके डिसएग्रीमेंट्स थे तो उन सबको एड्रेस किया गया तो पहला एक प्रोडक्ट आया इंडिया में जो कैरा जो ग्रेनुल्स की शेप में आया और लग्जेटिव चूरण ही है हाँ। लग्जेटिव ग्रेन्यूल्स हैं और काम वही कर रहा है बट वो मुँह में चिपक नहीं रहा आपके दूसरा उसका टेस्ट ऐसा नहीं है कि आपका लगे कि भैया ये क्या खा लिया अब आपको खाने में मजा आ रहा है हाँ

मैं आ, अगर हम मैं, मेरा फिलासफी भी नहीं कि अब फर्स्ट टाइम और इंडिया कर दो बट हाँ. उस टाइम कुछ सर्कमस्टांस ऐसे थे कि इन माय पर्सनल कैपेसिटी आई वाज हंड्रेड परसेंट कन्विंस्ड कि दिस विल वर्क तो मुझे उस पर पायलट रन की जरूरत ही नहीं पड़ी अदरवाइज पायलट रन इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी हाँ भी हम भी सोचते हैं कि पहले हाँ. एक स्टेट में या फिर एक पायलट रन आई बेस्ट ट्रैटेजी प्रोडक्ट में भी गलतियाँ होती हैं तो वही आप हाँ, छोटे स्केल पे गलती रिवर्सिबल होती हाँ, है बड़े स्केल परिवर्स होतील गलती बट मुझे आ, सारा देख चुका था कि इसमें गलती होगी नहीं और दूसरा आपने एक लोगों को मेंशन किया मैं यहाँ एक चीज़ एम्फरसाइज करना चाहता हूँ कि अगर आप जीटी में जा रहे हैं तो जनरल ट्रेड में सबसे बड़ी बात यह कि आपको शेल्फ में अगर वो प्रोडक्ट पड़ा है तो दूर से दिखे ताकि आपको रिकॉल हो कि यार ये मेरे को चाहिए वो अगर प्रोडक्ट आपको दिखेगा तो वो उसकी बाइंग जो है एडिशनल होगी तो मुझे लगता है कि लोगों ऐसा हो कि जो दूर से पढ़ा जाए और नाम पे जो आपने बात की अगेन सेल्फ एक्सप्लेनरी नाम है और मुझे तो लगता है कि नाम ऐसा है कि कोई भी कंपनी अगर ऐड करेगी तो इसी ब्रांड का नाम का ऐड करेगी कि पेट साफ से बड़ा क्या आप बात करेंगे कैसे नाम आया सर ये वाला वो दो किंग वॉज इन अ कार ड्राइव विद यर फैमिली वॉट अबाउट दिस वन तो इसमें एक्चुअली नाम ऐसा है कि ये हमारा ये मेरा अपना ही कोई इसमें मेरा अपना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था क्योंकि इसमें मैं खून सफ़ा करके कुछ मैंने कहीं पढ़ा था खून सफ़ा तो वो यूनानी कुछ मेडिसिन थी शायद मुझे लगा कि अगर तो पेट साफ के लिए पेट सफ़ा क्यों नहीं हो सकता तो फिर ये मैंने अपने स्टाफ में बात की ये मैं घर पे बात नहीं की थी तो स्टाफ ने जब बात की तो उन्होंने मेरे जो कुछ एच ओ थी उन्होंने बोला कि नाम तो हमारा बड़ा कैची है और रखना चाहिए तो मुझे लगा कि कंज्यूमर को प्राउड नहीं फील होगा यार मतलब कितना डायरेक्ट है नाम कि आज अपने घर में जब कंज्यूमर रखेगा तो सलाह ये ना हो कि वो कल कंज्यूमर को लगे कि यार ये इसका रखने में मुझे प्राउड नहीं फील हो रहा हाँ तो, तो मुझे लगा कि ये किस में एक जो है ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है और इसको कैसे हम ठीक करेंगे तो हमारी टीम ने कहा कि परसेप्शन जो है वो उसको कह रहे हैं हम एड्रेस कर लेंगे अगर हम एंटर करके पहली चीज़ है कि इस नाम के साथ हम एंटर कर देंगे अगर एंटर करके तो उसके बाद तो प्रोडक्ट के रिजल्ट बोलेंगे और आपने प्रोडक्ट को जो ब्रांड का इमेज तो आप ही तय करेंगे ना कि प्रोडक्ट का ब्रांड का इमेज क्या होगा हाँ तो दैट वर्कड आज पूर्णिश में पेट सफा दबा के बिकता है ऑल ऑल इंडिया 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 इट वर्क्स आल्सो इन साउथ पे हिंदी लैंग्वेज इज नॉट फुल्ली वेल इंडस्टोर्ड मतलब पॉपुलेशन लैंड करता है तमिलनाडु हाँ, में नहीं बिल्कुल देखिए अगर आप बात करें महाराष्ट्र गुजरात बंगाल तो हमारे लिए तो बिल्कुल शानदार वैसी मार्केट है हिंदी स्पीकिंग और अगर आप बात करें आ, आंध्रा की तमिलनाडु की केरला की आंध्रा तमिल और केरला में कम्पेटली पेट सफ़ा उतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना बाकी ब्रांड हमारे सबसे बिकॉज देट नेम इज़ ए चैलेंज वहाँ पर वो हिंदी का एक थोड़ा चैलेंज है बट ऐसा नहीं है कि uh, वहाँ पर बाकी कोई दूसरा हिंदी ब्रांड नहीं बिकता थोड़ा हर uh, एक स्टेट का एक अपना पैटर्न uh, होता है एक अपने बाइंग उनके जो है ट्रेंड्स होते हैं तो वहाँ पर कुछ लोकल प्लेयर हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं वो जो ज़्यादा चल रहे हैं बट uh, अगर हम अपनी बात करें तो मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी तरह से वहाँ पर भी ब्रांड जो है स्टेबलिश हुआ है और बड़ा ही हो रहा है मतलब ग्रोथ दर इज ए ग्रोथ स्टोरी फॉर श्योर sure. और आपका जो केश किंग के डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप सुपर स्टॉक रिलेशनशिप मेडिकल स्टोर रिलेशनशिप्स उससे फायदा हुआ आपका मतलब पेट सफा अगर आप पेट सफा 2009 में चालू करते है फॉर एग्जाम्पल तो ज्यादा तकलीफ होती है बिकॉज स्टार्ट स्टार्टअप स्क्रैच एक सक्सेस का इनर्शिया जो बोलते हैं हम कि एक बार एक चीज़ बहुत सही बना ली हमने तो उस इनर्शिया को लेके हम और ब्रांड्स बहुत सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं इज़ दैट ट्रू या फिर उतना ही स्ट्रगल था फिर से नो 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 एब्सुलटली देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपकी सेट डिस्ट्रीब्यूशन है और डिस्ट्रीब्यूशन की आप में बिलीव इतनी ज़्यादा है कि डिविसा अगर मुझे कोई ब्रांड दे रही है तो पहली बार डिविसा कंपनी कैसी है प्रोडक्ट मेरे पास टक् तो नहीं होगा नहीं होगा प्रोडक्ट बिकेगा हंड्रेड परसेंट बिकेगा कंज्यूमर के लिए कैसा है अप टू मार्क है एकदम फर्स्ट क्लास हर चीज़ को जब टिक मिल रहा है देखिए कंज्यूमर का बिलीव से पहले ट्रेड का बिलीव आना ज़रूरी है तो हमारी जर्नी में ट्रेड का बिलीव तो हम जीत ही चुके हैं तो वो तो एडवांटेज आपके पास है ही है ना तो देखिए जब आपने पहले ब्रांड से जर्नी शुरू की तो आपने ज़ीरो से टेन की तो यहाँ आपकी जर्नी फाइव से स्टार्ट हो रही है तो लोग ये सोचते हैं कि साहब के घर से आ रहा है सो तो अच्छा ही होगा तो बिलीव इज़ देर बिलीव इज़ बाई डिफॉल्ट नाउ हाँ जी आई एम वेरी थैंकफुल टू तो माई ऑल ट्रेड पार्टनर्स भरोसा जो है वो मतलब आपको जीतना पड़ता है और उसके लिए आपको करना पड़ता है ऑल्सो डट ओवर नाइट इट टेक्स यर्स फॉर दैट बिलीफ टू हैपन एब्सोल्युटली तो देखिए बिलीफ जो है उसमें आपको उसके अप एंड डाउन साइड दोनों को आपको पकड़ना पड़ेगा ना तो आपका मैंने कहा कि ट्रेड पार्टनर को फिलॉसफी समझ में आनी चाहिए कि आपका फिलॉसफी क्या है जो तो ट्रेड पार्टनर को ये भरोसा है कि यार मेरे को नुकसान नहीं होने देंगे मेरे को नुकसान नहीं होने देंगे मुझे पकड़ लेंगे तो वो पैसा लगा देगा आपके डरेगा नहीं क्योंकि आजकल थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड ऐसा है कि बाज़ार में कई प्रोडक्ट्स आते हैं जो बड़े बड़े क्लेम करते हैं ओवर द नाइट गायब हो जाते हैं तो बड़े मार्जिन के चक्कर में बड़े बड़े जो लोग हैं वो उन लोगों को अच्छा नुकसान हुआ है तो वो डरते हैं आज आपने बाज़ार में आपकी टीम जाती है आपने देखा होगा तो बट जो आ, कोई जिसके साथ उनका एक्सपीरियंस है तो बाजार वहाँ भरोसा तो करेगा ही वेरी वैलिड पॉइंट डॉक्टर औरतों के बारे में बताइए डॉक्टर डॉक्टर औरथों का नाम ये क्योंकि मैं जब बाहर से देख रहा था मैंने ये सोच मेरे को ये लगा कि आपकी स्ट्रेटजी ये है और शायद हो भी सकती है आई नो वेदर एम राइट कि आपने वो मार्केट्स चुनी जहाँ पे आपको लगा कि लोग इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते या फिर उनको थोड़ी सी मतलब हिचकिचाहट होती है बताने में कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है हेयर लॉस एंड सिक्योरिटी है या फिर कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है uh, या फिर सैडली ओल्डर पीपल स्टार्ट फीलिंग वीक कि मेरे को यहाँ दुख रहा है वहाँ दुख रहा है दे डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट कि दे आर इन पेन इट्स अ ईगो ईगो की बात की अपन ने वॉज दैन की इनसाइट जो आपको लगा कि आप कि यहाँ पे बड़ा मार्केट हो सकता है जहाँ पे अगर भरोसेमंद ब्रांड हो तो कंज्यूमर डायरेक्टली ब्रांड के साथ रिलेशनशिप बना पाए और अगर रिजल्ट ओरिएंटेड ब्रांड है तो फिर कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली विदाउट रियली वरिंग अबाउट वर्ड ऑफ माउथ और सोशल कॉन्वर्जेसन ब्रांड कैन हेल्प सॉल्व फॉर द कंज्यूमर ये आपका थिंकिंग था वॉज इट हैव कम फ्रॉम योर फादर्स प्रोफेशन ऑल्सो नहीं मैं ये कहूँगा कि देखिए चाहे वो uh, हेयर केयर की बात करें या पेंस केयर की बात करें या स्किन केयर की बात करें इसमें तो किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है क्योंकि जिसमें इनसिक्योरिटी है उसमें वो आ, आपके प्रोडक्ट का डिसमिनेशन इज़ ए चैलेंज वो प्रोडक्ट को आगे स्प्रेड वर्ड वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड नहीं होगा तो यूजली जो सेक्सुअल डिफिशेंसी के प्रोडक्ट्स हैं आजकल तो वो भी माहौल नहीं रहा आजकल कल तो जो ज़माना है थोड़ा बात करने में ज़्यादा संकोच नहीं करता बट अगर तब की भी बात करें दस साल पहले की भी बात करें तो भी मुझे लगता है कि हाँ पेट सफा की अगर कर बात करें लग्जेटी में तो ये कोई प्राउड नहीं फील करता है क्या क्या मुझे कॉन्स्टिपेशन है मतलब कि प्राउड मैटर ना और इसको कोई आदमी जिक्र भी नहीं करना चाहेगा करेक्ट तभी तो एंट्री पॉइंट कॉमिक रूट था तभी तो एंट्री पॉइंट देखिए अब आपको ना सारे सारी स्टोरी पकड़िए डॉक्टर और सीरियस प्रॉब्लम है पेन केयर एक सीरियस प्रॉब्लम है एक सीरियस फेस आता है जो कि वोइट है लेखक है जो कि रिलेट करते हैं आपके साथ जो कि एक विजडम से आप उसको रिलेट कर सकते हैं और एक सीरियस सिंसियर फेस आता है करेक्ट क्योंकि प्रॉब्लम को सीरियसली एड्रेस किया जाता है आदमी कहीं बोलता है तो सीरियसली बात करता है कि यार मेरे कोई प्रॉब्लम है और तो हर आदमी अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है इसमें किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं हाँ लग्जेटी में बात करते हुए कोई वो बात नहीं करना चाहता तो मान लो कि आप ये ज़्यादा ज़्यादा ज़्या बोला ना, ना खिलाओ जी पूरी छोले सवेरे ओखा हो जाएगा हाँ। वो पूरी बात नहीं करेगा करेक्ट तो डॉक्टर ऑर्थो में या रूप पंत्रा में या इसमें बाकी भी हमारे प्रोडक्ट्स में किसी तरह का कोई इंसिक्योरिटी वाला बात नहीं था डॉक्टर ऑर्थो पे आते हैं तो नाम की बात करें अगेन सेल्फ एक्सप्लेनरी डॉक्टर ऑर्थो इज सेल्फ एक्सप्लेनरी नेम अपने बारे में बता रहा है कि ऑर्थोपेडिक सोल्यूशन के लिए है रिजल्ट ओरिएंटेड अगर नहीं होगा मूल मंत्र अगर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो भैया तुम टिकोगे नहीं उसके बाद अब आपकी रिपीट बाइंग नहीं होगी अगर आपका रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो कितने लोगों को आप एक बार बेचोगे एक साल चला लोगे दो साल चला लोगे वैल्यूशन कहाँ से लाओगे देखिए वैल्यूशन कहाँ से आती है भरोसे से आती है कंज्यूमर भरोसा कब करता है जब उसको हील होता है जो इसको बेनिफिट होता है तो अब ओवर द अब डॉक्टर ऑर्थो अब आठ साल से मार्केट में है तो बेसिकली आपका कंज्यूमर जो है अब उसका सेट कंज़्यूमर है कितनी जगह से जैसे अब हमें पता चलता है कि गुरुद्वारे में डॉक्टर ऑर्थो बांटा जा रहा है अरे इतनी खुशी होती है कि आज हम पहुंचते हैं वहाँ पर कि ये आ, किस तरह से हमारी कंपनी वहाँ पर हम लोग बी में इसको चीज़ों को हम खुद ये, ये मौका ले सकते हैं और कई बार हम लोगों ने ऐसे कैंपेन भी रन किए हैं पर इतनी खुशी होती है कि आज मंदिर गुरुद्वारे में आपके प्रोडक्ट की फ्री मालिश की जा रही है लोगों की और मालिश किससे की जा रही है डॉक्टर से मालिश की जा रही है तो एज़ ए प्रमोटर कितनी खुशी होती होगी कि आप एक माध्यम बने लोगों को दर्द से निजात दिलवाने के लिए और इतना स्ट्रॉन्ग माध्यम बने कि सबसे प्योर और पायस जगह पे आपके प्रोडक्ट को बाजार से ख़रीद के लोगों पे लगाया जा रहा है एक बड़े प्योर पायस पर्पज़ से तो कई चीज़ें उसके बाद मन में ऐसी आई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो कैसे पहुंचा जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे इससे बेनिफिटेड किया जाए कहीं कि के लिए अगर प्राइस चैलेंज है तो कैसे उसको इंश्योर किया जाए तो कई इफ एंड बट्स हैं वो एड्रेस किए जा रहे हैं बट रिज़ल्ट होना ज़रूरी है डिस्ट्रीब्यूशन पेनिट्रेशन आपका बिल्कुल होना जरूरी है कंज्यूमर को प्राउड होना ज़रूरी है कंज्यूमर को बिलीव होना ज़रूरी है तो सारे जब चीज़ें टिक मार्क है तो देन, देन यू नो द डॉक्टर और आज अभी बात हो रही थी गूगल ट्रेंड्स पे आप देखिए कभी तो गूगल ट्रेंड्स पे अगर आप देखें आ, उस पर तो वो आता है ना कि टू थाउजेंड एक फोर से आता है फाइव ईयर का आता है कि आपने चार्ट देखिए तो आपको समझ में आएगा कि और आजकल तो देखिए नेट ने तो आपको सारे मॉड्यूल्स दिए करेक्ट आप अपना छोड़िए किसी के बारे में पता करना हो कि कहाँ क्या चल रहा है करेक्ट तो डॉक्टर ऑर्थो में अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं हम ऑयल के बाद आज ऑर्थेटिक केयर है जिसमें नी कैप स्पाइनल बेल्ट और मल्टीपल औरथेटिक केयर के जो अदर प्रोडक्ट्स हैं पोस्टर एंड और ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट में दी जा रही हैं और ई कॉमर्स पर जो है, है? लॉन्च किए और बड़े पॉजिटिवली सभी उसको जो हमारा प्रेजेंट बायर है वो तो ले ही रहा है बाकी लोग जो है नया नया हमारे पास कंज्यूमर भी जुड़ रहा है कब से चालू किया आपने सर डॉक्टर ऑर्थो डॉक्टर ऑर्थो ब्रांड हाँ डॉक्टर ऑर्थो ब्रांड आई थिंक ये लॉन्च तो 14 में किया था 13 14 में लॉन्च किया था अच्छा बट बिकॉज जर्नी हमारा एयर केयर बिजनेस का उस टाइम पे तो डॉक्टर ऑर्थो वो गया था, ना कि एक बच्चा जिसको मोहब्बत कम मिल रही है कहानी थी करेंडम <laughs> <laughs> थोड़ा वो था उस टाइम एंड देन इट यू स्टार्ट स्केलिंग इट हाँ स्केल इसे फिर सिक्सटीन सेवनटीन से स्केल करना तो पेटसभा और डॉक्टर और तो साथ में और वो स्केल करने शुरू करें ट्विन ब्रांड्स हैं यस और डॉक्टर और तो जो है आज हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है इट इज फैसिनेटिंग सर कि जब मैंने आपको पूछा कि डॉक्टर औरतों का टर्न कितना है या फिर पेट सभा का टर्न कितना है आपने बोला कि टर्न ओवर मेरे को इतना मायने नहीं रखता मैं डॉक्टर औरतों का प्रॉफिट ये है और पेट सभा का प्रॉफिट ये है इट्स अ फॉर मी इट्स बिग लर्निंग क्योंकि हम तो अभी भी टर्न में ही बात करते हैं बट एक्चुअली इट इज़ द बॉटम लाइन दैट मैटर्स द मोस्ट अरे दोनों दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है देखिए कि आपने कितने कंज्यूमर को टच किया आप कितने कंज्यूमर आपके पोर्टल पर हैं ये सारी चीज़ों का भी uh, जो है अब धीरे धीरे देखिए हम भी तो स्टूडेंट हैं हम भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं <laughs> पर फिर भी मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे बिज़नेस हो जो आपको प्रोफिटेबिलिटी ले कर आ रहा है जो प्रॉफिट नहीं लेकर आ रहा वो होप ट्रेड कर रहे हैं आप

रूपमंत्रा सच्ची सहेली इट्स नाउ बिकम अ हाउस ऑफ ब्रांड डिवि इज ना बिकम फुल फ्लैज हाउस ऑफ ब्रांड्स जो हम लोग पढ़ते हैं आजकल कि एक्विजिटिव तरीके से लोग बना रहे लेकिन अपने लोग बोलते हैं कि मल्टीपल ब्रांड्स क्रिएट करना डिफिकल्ट होता है उसमें बहुत पैसा लगता ही है ये वो है बट यू सीम टू बी समन हुट ऑफ इंटेलिजेंस इनसाइट एंड स्मार्ट मार्केट साइजिंग

कंज्यूमर बायर और डिसाइडर को आइडेंटिफाई कर गया कंज्यूमर बायर और डिसाइडर डिसाइडर okay? इसको आइडेंटिफाई कर गया ज़रूरी ना कि आपका जो जो कंज्यूमर है वही बायर है या वही डिसाइडर है आप उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हर एक को देखना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आपको अपना मुझे लगता है कि कार्बिन करना पड़ेगा और जो आपकी वीकनेस है उससे आपको बचना पड़ेगा आप अपनी वीकनेस पे प्ले मत कीजिए मतलब तो एक बड़ी सिंपल और साधारण भाषा में, में बताऊँ कि भैया अगर तुम्हें सामने से छक्का लगाने नहीं आता तो तुम ये इधर साइड का लगा लो ना यार <laughs> तुम <तुम्हें laughs> तो सामने ही लगाने की जिद पाले बैठे हो यार <laughs> जहाँ आप स्ट्रोंग हो जिस एरिया में आप स्ट्रोंग हो उस एरिया को आप और बेहतर करते जाए पर जहाँ आप वीक हो वह थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं पहले उसको पक्का कर लो समझ लो उसके बाद उधर भी आ जाना यार एक तो काम पूरा करो पहले नहीं सही बात है सर एज यू लुक लुक अहेड यू नो यू आर स्टिल वेरी वेरी यंग यू सो मनी ईयर्स अहड एंड सो मनी ब्रांड्स टू बिल्ड आपको लगता है कि आपको इसी चीज़ में यू फाइंड जॉय एंड मीनिंग एंड परपज़ कि आप और ब्रांड्स क्रिएट करें इंडियन कंज्यूमर्स के लिए uh, जिनके जिससे उनके हेल्थ uh, यही आपका लाइफ पर्पज़ है mm -hmm. या डू वॉन्ट टू डू अदर थिंगस वर्क विद अदर ऑन्टोनोर्स क्या वट ड वट डू द नेक्स्ट फिफ्टी ईयर्स लुक लाइक फॉर यू पर्सनली And for your family, if you, if you you don't mind यैमिली it देखिये <laughs> मुझे लगता है कि आ, अब लाइफ में ना बहुत ज़्यादा एडवेंचर तो करने नहीं चाहिए <laughs> तो जो आपको आता है वो सलीके से और तरीके से इंसान को करना चाहिए और उसको ना बस सिर्फ ये कि एक एक अच्छा मोटिव दे हैं। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा मोटिव था कि मैंने अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर करना है और अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है जब मैंने वो अचीव कर लिया अब मुझे मेरा दूसरा मोटिव था कि अब मुझे अपनी कंडीशंस पर और अपनी शर्तों पर इस सक्सेस को मेंटेन करना है जब मैंने वो अचीव कर लिया तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने आसपास, अपने स्टाफ अपने रिलेटिव्स और इन सब अपने से जुड़े लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना है जब मैंने वो फेस पार किया तो अगला फेस था कि अब मुझे अपने ट्रेड पार्टनर्स और लोगों के बिलीव और भरोसे को जीतना है और उन लोगों को अपने प्रोडक्ट से और अपनी चीज़ों से बेनिफिटेड करना है उसके बाद फिर आपको जब थोड़े और आप बड़े हो जाते हैं तो आप फिर ये भी महसूस करते हैं कि ये जो टैक्सेस हम पे कर रहे हैं ये मेरा कंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है मैं आज कंट्री में क्योंकि अब आप, आपका जब आप बड़ा बिज़नेस क्रिएट करते हैं बड़ा बिज़नेस एग्जिट करते हैं है या रूटीन में बड़ा बिज़नेस करते हैं तो आप बड़े हैंडसम टैक्सेस पे करते हैं तो उसमें क्या है दो तरह की फीलिंग है एक फीलिंग है कि भैया इतना पैसा जा रहा है पैसा जा रहा है भाई <laughs> इतना मोटा चेक साइन कर करना होगा <laughs> और एक फीलिंग है कि इतना अर्न किया और आज ये देखिए हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है और बड़ा मीनिंगफुल इन्वेस्ट होगा भरोसा कीजिए और उसको चेरिश कीजिए अपने आप को शाबाश दीजिए खुद को पैम्पर कीजिए बहुत बढ़िया गया <laughs> तो मुझे लगता है कि हर बार आपको अपना एक मोटिव की बात कर रहा था मैं वापस आ रहा हूँ जब आपका सवाल था ओरिजिनल तो आने वाले टाइम में मुझे ये लगता है कि जो मैं काम करता हूँ अगर ब्रांड बिल्डिंग की बात करूँ ब्रांड क्रिएशन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि बस मैं इससे जस्टिस करूँ जो लग हमसे जुड़े हैं उन लोगों से जस्टिस करूँ और अपना मोटिव थोड़ा और प्योर करूँ आज मेरा मोटिव सिर्फ वेल्थ जनरेट करना तो नहीं है तो आज इसको कोई और अच्छा मोटिव दूँ जिससे मेरे को आ, इमोशनल जो है आ, मैं उसको भी आ, पीस को फील कर पाऊँ सेंस कर पाऊँ मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो और इम्प्रूव हो मैं और ख़ुद को बड़ी ऑनेस्टी से एनालाइज करूँ तो अपने आप को मैं पास करूँ तो मुझे लगता है कि जितना आप जान जाते हैं ना उतना आप ये जान जाते हैं कि ये जो मैं नहीं जानता तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे आप चीज़ें सुनते सीखते जाएंगे ना आपको ये भी महसूस होगा कि हम कितने छोटे हैं तो आज मैं जो थोड़ा बहुत जानना हूँ और जानने के बाद ये लगा कि शायद ईश्वर ने हमें जो दिया वो हमारी योग्यता से हमारी प्रतिभा से उन अवसरों से बहुत अधिक था तो पहला तो ग्रेटिट्यूड है और दूसरा अब आगे जो हमने करना है उसके लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है अपने सराउंडिंग के लिए वो तय करना है आपने एक बात बहुत सही बोली थी इन द ब्रेक की आप अपने कंडीशन और अपने यू लिव ऑन योर टर्म्स हंसते खेलते आपने यूँ, वर्ड यूज किया केशकिंग बनाया आपने hmm. कि आप दिन में चौबीस घंटे होते हैं आप सिर्फ चार पांच घंटे देते हो बिजनेस को बाकी टाइम फॉर फैमिली यू डोंट टर्न ऑन द फोन बिफोर थ्री इन द आफ्टरनून ये बहुत ही मतलब यूनिक चीज़ है टॉक बिट अबाउट हाउ यू कंट्रोल योर लाइफ द वे यू डू सो मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ को एक ऐसा डिसिप्लिन देना चाहिए uh, जिसे आप ना अगर और थोड़ा आसान भाषा में कहूँ और, और थोड़ा छोटे लफ्जों में कहूँ तो मुझे लगता है कि एक एंट्रप्रनोर जो हैप्पी रहेगा वो हेल्दी रहेगा जो हेल्दी रहेगा वो कुछ ना कुछ करता रहेगा तो मुझे लगता है आप अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को मजबूती से पकड़ लें समझ लें जांच लें और उसको इंश्योर कर लें कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स मेरा जो है ये हमेशा ठीक रहना चाहिए उसके लिए आपको बेहतर इंसान बनना पड़ेगा और जस्टिस करना पड़ेगा उन सब से जिनसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हैं और जहाँ तक टाइम की आपने जो बात की तो मैंने अपने आप को जैसे आ, आ, मुझे देखा कि आज मेरे पास मोटिव क्या है तो आज जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ मेरा मोटिव यह है कि जो मेरे पास आज हमारी जो कंज्यूमर है उससे जस्टिस हो और वो प्रोडक्ट जो है और बेहतर होता रहे वो हम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोई नए चीज़ों के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट अभी किए नहीं तो आज इतने लंबे टाइम के बाद जो मेरी बिज़नेस है वो ऑटो पायलट पर है एक एंट्रप्रनोर जो अपने बिजनेस को देखिए मुझे लगता है आप फ्लाइट में बैठे हैं जैसे तो टेक ऑफ और लैंडिंग ही इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए जर्नी तो ऑटो पायलट होनी चाहिए ना दैट्स <laughs> इंटरेस्टिंग तो जब आप कोई नया प्रोडक्ट नया ब्रांड ला रहे हैं तो वो टेक ऑफ है तो तब काम उस पर काम करेंगे पर जो चल रहा है उसको तो ऑटो पायलट पर आपको आ, इतना स्किल तो लगा देना चाहिए कि चीज़ें ऑटो पायलट पर नहीं तो मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ फार्चुनेटली कि मैं तीन बजे फ़ोन ऑन करता हूँ दोपहर को उससे पहले फ़ोन मेरा बंद रहता है और ऑफिस भी मैं दो तीन बजे से पहले नहीं जाता तो बट आप ये भी तय कर याद रखें कि मैं अपने हिस्से का मेहनत करके आया हूँ तो आप किसी की तरह बनने की कोशिश ना करें आप खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करें और मैं इसके साथ आपको चार लाइन कहना चाहता हूँ कि कोई किसी को जो नेक है ना कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की आप परिंदों को क्या सिखाओगे कैसे उड़ना है जिसने उड़ना है उसने उड़ना है सर uh... आप हमारे ऑफिस आए इट्स प्रिविलेज फॉर अस लेकिन आपने जो रिसर्च किया है बॉम्बे शेविंग कंपनी के बारे में इट्स आई वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आपने हमारे बारे में पढ़ाई की और आप जैसे uh, कितने एक्सपीरियंसड और सक्सेसफुल कंज्यूमर माइंड आपका है आई वुड लव टू टेक सम एडवाइस फ्रॉम यू ऑन बॉम्बे शेविंग कंपनी बॉम्बे जो हमारा विमेंस ब्रांड है हमारा तो हेयर रिमूवल हाइजीन पे हमारा फोकस है पर्सनल केयर हेयर रिमूवल हमारा कोर है पर्सनल केयर हमारे फ्लैंक स्ट्रेटेजी अगर हमारा आप पोर्टफोलियो देखें तो हम ये बोलते हैं कंज्यूमर को कि आपके बदन पे आपको जो बाल नहीं चाहिए हम आपको निकाल के देंगे और आपको मज़ा आएगा निकालते वक्त तो मेरे आपने जो हेड शेव करता है आप जो क्लीन शेव करते हैं सारा मैम फॉर एग्ज़ाम्पल इफ शी वॉन्टेड ट्रिम और आईब्रोज जो भी है जो भी इंसान है कितनी भी उम्र हो कोई भी जो भी जेंडर हो ज, बदन पर जहाँ पे भी हो वी विल बी दू रिविट एंड गिव गुड एक्सपीरियंस लेकिन हमको भी छः सात साल छः साल हो गए अभी इन मार्केट में uh, आपका आउटसाइड इन एज एन एक्सपर्ट हमारे बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं आपका क्या एडवाइस होगा मेरे लिए एज अ फाउंड नहीं देखिए तो खुद स्टूडेंट हैं हम तो खुद सीखना चाहते हैं कि किस तरह से आप ये मैजिक कर रहे हो कितनी तेजी से मैं पीछे आपका नंबर देख रहा था कि कैसे करेक्ट फॉर्म रॉन्ग कि फर्स्ट फाइनेंशियल में आप सेवनटीन सी आर थर्टी तो आप देखिए ये रन रेट कहाँ से लाएंगे आप तो मुझे लगता है कि आप अपना हंड्रेड परसेंट आप अपने अपने बिज़नेस को भी दे रहे हैं और उसके बाद आप ऐसे मुझे मैं तो जो ये आपका पॉडकास्ट है मैं तो इसे सोशल वेलफेयर मानूंगा कि आप लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या गलतियां ना करें और आप लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं डोट से डोट मिलना बड़ा ज़रूरी है तो आप डोट से डोट मिलाने का काम कर रहे हैं और जहाँ तक ये आपको आपके पर्सनल केयर में इन चीज़ों में एडवाइस की बात तो देखिए शांतरू उसमें मुझे कुछ आपके डेटास चाहिए होंगे कि जी में मॉडर्न ट्रेड में ई uh, कॉमर्स e में तो देखिए मुझे लगता है कि आपको हम हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बहुत ज़्यादा आपको मालूम मालूम आता है बट जनरल ट्रेड में क्या गलतियाँ होती हैं और मॉडर्न ट्रेड का बेनिफिट क्या है और मॉडर्न ट्रेड में uh, किस तरह से आगे जाना चाहिए तो वो कुछ टेक्निकल मेरे जो सवाल होंगे और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे तो उसके बाद अभी बैठ कर चर्चा करेंगे हम मैं तो बहुत इच्छा करता हूँ मैं कि मेरे जो हेड ऑफ़ सेल्स हैं शेंकी दीपक आ, सिद्धा वरुण जो यहाँ पे थे Uh, गौरी जो हमारी हेड ऑफ मार्केटिंग सी है हम छः सात आठ लोग आपके साथ इफ़ वी कैन स्पेंड समाइम हम हम चंडीगढ़ आ जाएंगे इस चीज़ के लिए please, आपके घर आ जाएंगे या फिर please, आपके ऑफिस आ जाएंगे बट वुड लव टू काइंड ऑफ टिकर योर माइंड एंड गेट सम इनसाइट्स कि आप हमको कैसे गाइड कर सकते आज के पॉडकास्ट के बाद आपको लगा है कि आपकी टीम आगे मोटिवेटेड होगी हंड्रेड परसेंट हंड्रेड आज के पॉडकास्ट में मेरे को तो लगता है कि पचास चीज़ें मैंने सीखी है जो मेरे को इससे पहले पता नहीं थी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिजल्ट ओरियंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके ने आप जिस तरीके से आपने किया फॉलोइंग और इंस्टिंक्ट एट द सेम टाइम बींग डेटा औरिएंटेड बींग पर्सनली इन्वॉल्व इन नगोसिएशन प्रॉफिट ओवर एवरीथिंग एल्स ये सारी चीज़ें बहुत ही वैल्यूएबल है सर मतलब इट्स नॉट ईजी टू गेट बाय द वे दो तीन चीज़ें निशानतू सर मैं दो तीन चीज़ें और आपको मैंशन कर दूँ देखिए जिस इंडस्ट्री में आप हैं जिस इंडस्ट्री में हम हैं उसमें कंज्यूमर पुल और ट्रेड पुश दोनों के कॉम्बिनेशन को बिनाना बिठाना बड़ा ज़रूरी है Correct. ना सिर्फ हाँ ना कंज्यूमर पुल से चलेगा ना सिर्फ ट्रेड पुश से चलेगा Correct. इसके कॉम्बिनेशन को बिठाना बड़ा ज़रूरी है दूसरा कंज्यूमर का फेथ और ट्रेड का फेथ दोनों का फेथ इक्वल एंड इम्पोर्टेंट है Correct. तीसरा आज जो ज़माना है मुझे लगता है इसके बाद ना आपको फ़्लाई लाइट के ऊपर बैठना पड़ेगा सारी चीज़ें एंड टू एंड बिजनेस नहीं करेंगे अगर एंड टू एंड बिजनेस करेंगे तो कोई एक चीज़ रह जाएगी दस चीज़ें पकड़ने जाएंगे ना तो कोई एक चीज़ में जस्टिस नहीं कर पाएंगे जैसे कि बनो मतलब कैसे फ्लाई लाइट बन फ्लाई लाइट मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम मैनुफैक्चरिंग है अब मान लीजिए आप किसी एक प्रोडक्ट के साथ तो जस्टिस कर सकते हैं हुँ. बट आपने मान लीजिए अगर पचास तरह के आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हर एक से जस्टिस नहीं कर सकते तो आप एक्सपर्ट्स के ऊपर भरोसा रखिए वहाँ आप ट्रांसपेरेंसी के लिए अपनी टीम बिठा दीजिए बट रिसर्च उन्हें करने दीजिए डेटा उन्हें लाने दीजिए आप सिर्फ ऊपर से मैंने कहा था गरुड़ दृष्टि ऊपर से खड़े होकर okay, ईगल व्यू से आप उन्हें बताते रहे कि भैया ठीक रो ये ठीको ये ठीक रो बट काम उन्हें करने दें हर चीज़ को अपने हाथ में मत लें अपने आप को लाइट करें लाइट करें अपनी नेक पे अपनी स्ट्रेंथ पे जैसे आपका आप कितना सुंदर आपने नाम रखा बॉम्बे शेविंग कैसे आपने किन किन मॉडल्स पे मैंने मैंने क्या मॉडल्स uh, पे किन किन टेक्ट uh, मॉडल्स पे मैंने इनको लेके जाना है उनके uh, मुझे नेगोसिएशन कैसे करना है प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करनी है वहाँ का मुझे कैंपेन कैसे रन करने है मेरा बायर कौन है मेरा नीच में जाना है कैंपेन तो उसमें मुझे क्या चीज़ बड़ी दिखानी है क्या छोटी दिखानी है ये सारी चीज़ें आपको मेरे से बेहतर समझते हैं इन सारी चीज़ों को बट मुझे लगता है कि ये मेन काम है बाकी चीज़ें नहीं और दूसरा जो गलती मैंने एक हमेशा बोला कि पायलट रन जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा पायलट रन सिर्फ एक स्टेट का नहीं पायलट रन प्रोडक्ट का भी है मतलब कि प्रोडक्ट में तो गलतियाँ होंगी ही होंगी करेक्ट जब आप बना के लाओगे यार पहली बार पता चलेगा हो यार ये तो उठ के नहीं आया <laughs> ये तो मैंने सोचा था कि ऐसे निकलेगा ये तो भाई बिल्कुल लगी वो अलीट लग ही नहीं रहा मुझे वो प्रोडक्ट में वो बात लगी नहीं रही जो लगनी चाहिए करेक्ट तो एक काम करो इसे मैट में लगाओ यार इसको मेटालिक में मत रखो तो इसको ड्रिप ऑफ में मत रखो तो ये चीज़ें जब डिसाइड करनी पड़ेंगी क्योंकि आप इमेजिन पहली बार आप इमेजिन कर रहे हैं अगर आपने पहले ही मान लो उठा के छः महीने का स्टॉक बना दिया और प्रोडक्ट में कहीं भी जरा सा आप कहीं भी चाहे बल्क में फॉल्ट आ गया एरोमा में फॉल्ट आ गया प्रोडक्ट की एप्लीकेशन में फॉल्ट आ गया प्रोडक्ट की पैकेजिंग में फॉल्ट आ गया उसकी सीलिंग में फॉल्ट आ गया कहीं भी फॉल्ट आ गया तो अब तो बंद गए ना अब क्या सारा स्टॉक डिस्ट्रॉय करोगे तो तीन स्टॉक तो छोटे छोटे बनाओ Correct. पहला पायलट रन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इम्पोर्टेंट उसके बाद मुझे लगता है कि एम आर पी इज अगेन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट तो उसमें आपको तो खुद ही डिसाइड करना है कि आपका टारगेट ग्रुप क्या है और आपका कंपटीशन क्या है किस कंपटीशन में आप खुद को देखते हैं वो तो आप खुद देखते ही होंगे तो मुझे लगता है कि अपने आप को पोजिशन करने के लिए दूसरों को समझना जरूरी है और अपने आप सीमेंटेड अपने आप को सीमेंटेड करने के लिए अपनी एक्सेप्टेंस के मेन टूल्स को समझना जरूरी है That's amazing. इसमें हम डीप डेप्थ में जाएंगे जब आपके ऑफिस में आएंगे हम एंड यू विल टेक थ्री फोर आवर्स ऑफ योर टाइम उस दिन हम आपको तीन बजे से पहले ऑफिस बुला लेंगे बट सर इट इज बिन एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग टू हैव यू ऑन द बार्बर शॉप आई होप कि आपको यहां आके आपको uh,

देखिए आपसे बात करते हुए ना मैं मैंने अभी बीच में भी मेंशन किया कि कितनी चीज़ें जो आपने रिलीव की कितनी मोमेंट्स हैं जो शायद आपने कभी याद ही नहीं की थी आपसे बात करते हुए इतनी चीज़ें मुझे खुद आज अपने बारे में दोबारा मुझे याद करने का एक अपॉर्चुनिटी क्योंकि कभी किसी ने ऐसे सवाल नहीं किए <laughs> आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए ऐसे ऐसे सवाल किए और इतनी बारीक चीज़ें की तो बड़ा खूबसूरत लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ऑडियंस है आपके जो व्यूअर्स हैं वो कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा कुछ उन्हें जानने को मिलेगा और बस एक बात और कहना चाहूँगा कि बड़े मुकाम सिर्फ बड़ी काबिलियत से हासिल नहीं होते बड़े मुकाम छोटी काबिलियत से भी हासिल हो जाते हैं खुद पर भरोसा रखें थैंक यू सर थैंक यू सो मच इट इज़ वन अ प्रिविलेज और मेरे को ये लगता है कि दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ मैनी कॉन्वर्जेस आई थिंक इस एपिसोड के बाद

फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ और जो जिस तरीके से आप हैप्पीनेस का प्रस्यूट करते हैं एक्सेलेंस का प्रस्यूट करते हैं लेगेसी का परस्यूट करते हैं द वे यू टॉक अबाउट इन्वॉल्विंग और चिल्ड्रेन इन इम्पोर्टेंट डिसीजन इज़ वेरी यूनिक एंड आई वुड लव टू आई वुड लव टू काइंड ऑफ लर्न फ्रॉम यू इवन आउट ऑफ थैंक यू वेरी मच आई वुड लव ट माई ऑल एक्सपीरियंसिसज थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू